quickly. Oh, I hope everyone is able to hear me out. Okay. क्या हाँ आधे घंटे में आ रहा है। हाँ इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दे सबको, मतलब इनको इसको बोल अथर्व को कर बोल सबको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट। सो चलो सेटल डाउन क्विकली। चलिए शुरू करते हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, लेट्स प्रोसीड अहेड। वी किक स्टार्ट विथ फर्स्ट फॉर्मल चैप्टर। यस्टरडे आई गेव यू इंट्रोडक्शन टू एंटायर अकाउंटिंग व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। सो एज आई टोल्ड यू ब्रॉडली देर आर टू पार्ट्स ऑफ द एंटायर सिलेबस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अदर चैप्टर्स। So I'm kick-starting with other chapter first, thereafter I will go to accounting standard, then again come to other chapter accounting standard, aisa do teen baar kar sakta hu, uske baad to sirf standards hi standards hai, maza aayega. So to understand any accounting standard, you do need extremely good understanding of financial statements. To pehle hame kya karna hai, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स समझने हैं, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें सिर्फ यहां पर कंपनी के समझने हैं। योर सिलेबस डज नॉट टॉक अबाउट प्रोप्राइटरशिप एंड व्हाट पार्टनरशिप। आप इसको फाइनल अकाउंट बोल सकते हो, आप इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलो, कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी जो है वो शेड्यूल 3 के अंदर बनाए जाते हैं। तो हमें शेड्यूल 3 के रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है कंपनी लॉ के अंदर, थोड़े बहुत वो प्रोविजंस लर्न करने हैं और शेड्यूल 3 को इनडेप्थ समझना है। इसका फायदा आपको स्टैंडर्ड समझने के लिए बहुत होने वाला है। क्वेश्चंस जो आएगा टिपिकल ट्रायल बैलेंस देके कुछ एडजस्टमेंट देंगे आपको और बोलेंगे कि प्रिपेयर व्हाट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ए शेड्यूल 3 फॉर्मेट, या बोलेंगे मेक अ बैलेंस शीट इन अ शेड्यूल 3 फॉर्मेट अलॉन्ग विद नोट्स टू अकाउंट। बट बिफोर आई टिपिकली गो विद द शेड्यूल 3, आई वॉन्ट यू पीपल टू अंडरस्टैंड सर्टन प्रोविजन्स ऑफ शेड्यूल 3 और कंपनी लॉ रादर देन शेड्यूल 3। कंपनी लॉ के कुछ प्रोविजन समझेंगे और फिर शेड्यूल 3 के इंडिविजुअल आइटम को हमें समझना पड़ेगा। ये अकेला चैप्टर आपको अकाउंट्स में 15 से 20 मार्क, ऑडिट में 5 से 10 मार्क देके जाएगा। ये चैप्टर आपको ऑडिट में वापस रिपीट होगा, वहां पर सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा ऑडिट के अंदर। ऑडिट के अंदर आपको क्या करेंगे, वो डिस्क्रिप्टिव या एमसीक्यू या केस स्टडी क्वेश्चंस पूछेंगे। तो शेड्यूल 3 के आइटम्स को जाएंगे, पहले ब्रीफली एक बार प्रोविजंस लर्न करते हैं। दिस प्रोविजंस यू विल लर्न इन लॉ ऑल्सो अगेन। पहले चीज, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी है क्या कंपनी को? आंसर इज यस। व्हेन यू लर्न पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के पूरे लॉ में बुक्स ऑफ अकाउंट का कहीं पे प्रोविजन का नामो निशान ही नहीं है, रेफरेंस भी नहीं है, कहीं पे भी रेफरेंस नहीं है। ऑनलाइन पब्लिक तुमको पीडीएफ, वो टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने कल आपको लिंक दी थी, वो टेलीग्राम ग्रुप पे मैं ये पीडीएफ शेयर करूंगा। फिजिकल वाला तुमको प्रिंट आउट आ जाएगा, भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लेक्चर के अंदर ही।
सो ये कलरफुल नोट्स है, आपको कलर के साथ बाइंडिंग होके आप ऑनलाइन, तुमको कुरियर आएगा, तुमको इधर से ऑफिस से कलेक्ट करना पड़ेगा बाद में। अभी तो तुमको ये इसका ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन मिलेगा। अभी ये तुम्हारा ग्रुप किधर गया, ग्रुप किधर गया, क्या नाम है तुम्हारे ग्रुप का? हाँ M24, इसलिए अभी तक कुछ शेयर। सो मैंने इसका पीडीएफ आपके कॉन्सेप्ट बुक का पीडीएफ आपके पास शेयर किया है। दो पार्ट रहेंगे हर चैप्टर के, एक रहेगा कॉन्सेप्ट बुक और एक रहेगा क्लास बुक। फालतू का मार्केटिंग पे टाइम वेस्ट नहीं करते, कंसेप्ट पे चालू करते हैं, मतलब सब कुछ उसके अंदर कवर्ड है। तो ये पीडीएफ आएगा आपको, आप नोटिंग कर सकते हैं कुछ। ये मैंने डिस्क्रिप्टिव पार्ट सेक्शंस इसलिए दे कि आपको बैकग्राउंड समझ में आए। तो पार्टनरशिप के केस में या प्रोप्राइटरशिप के केस में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कहीं पर भी मैंडेटरी नहीं है। देर इज नो प्रोविजन इन द लॉ इटसेल्फ, लॉ इज ग्रेट, देर इज नो प्रोविजन इन द लॉ, बट कंपनी के तो मैंडेटरी है। अब बुक्स ऑफ अकाउंट मैंने पूछा ना, तो बच्चा टिपिकली चालू करता है, व्हाट इज बुक्स ऑफ अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बुलशीट, P&L बैलेंस शीट इज नॉट बुक्स ऑफ अकाउंट। P&L बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो बुक्स ऑफ अकाउंट से बनाए जाते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट में तुम्हारा डिटेल्स ऑफ रिसीट्स, डिटेल्स ऑफ पेमेंट्स, डिटेल्स ऑफ योर इनकम्स, एक्सपेंसेस, असेट्स, लाइबिलिटीज, वाउचर्स। वाउचर्स मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हो उसके आपको क्या करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस रखने पड़ेंगे। तुमने परचेस किया तो सप्लायर का इनवॉइस कहां पर है, गुड्स रिसीव किए उसका डॉक्यूमेंट कहां पर है, मशीनरी परचेस किया उसके डिटेल्स कहां पर है, उसका रजिस्टर आपने बनाया है कि नहीं, ये सारी चीजें बुक्स ऑफ अकाउंट में आती है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट इज नॉट सेम एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट यू मेंटेन फर्स्ट इज अ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड व्हाट यू डिराइव फ्रॉम इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमको अल्टीमेटली क्या बनाने का है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो बुक्स ऑफ अकाउंट में आपका जर्नल आ गया, आपके सब्सिडरी बुक्स आ गए, वाउचर्स आ गए, रिसीट पेमेंट के डिटेल्स आ गए, कैश बुक आ गया, परचेस डे बुक आ गया, जो आपने सब 11वीं 12वीं में सीखा था। उसका कोई फॉर्मेट नहीं है। किसका फॉर्मेट नहीं है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। किस चीज का फॉर्मेट है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। समझा तुमको? तो हर एक कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं। कहां पर मेंटेन करने है? उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन करने है। एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है और उसके दूसरे मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन हो सकते हैं या सेल्स के लोकेशन हो सकते हैं। You are by default supposed to maintain them at what? Registered office, जिसको आप हेड ऑफिस या कॉरपोरेट ऑफिस बोलो, रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करना जरूरी है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, हमें कहीं और मेंटेन करने हैं, आप वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करके आप रख सकते हो दूसरे कई जगह पे, कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट को सिर्फ क्या करना पड़ता है, आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है। गवर्नमेंट मतलब कौन? आप बोलेंगे मोदी जी को जाके बोलेंगे, RO रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो ROC को जाके आपको सिर्फ क्या करना है, बोलना है, हे ROC हाय। उस लैंग्वेज में नहीं बोलोगे आप, उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट रहेगा। वो फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा ROC को और बोलना पड़ेगा कि वी आर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट सो एंड सो लोकेशन। यू कैन ऑल्सो मेंटेन दीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट इफ यू विश। कहीं पे भी लिखा नहीं है कि बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करनी चाहिए, तुमने फिजिकल फॉर्मेट में ही मेंटेन करने चाहिए। अगर चाहिए लगता है आपको, आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ये बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन कर सकते हो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। सो देखिए, एवरी कंपनी, मतलब एवरी कंपनी का मतलब लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो। लिस्टेड मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है, जिसने पब्लिक ऑफर करके फंड्स रेज किए, उस कंपनी को क्या बोलते हैं? लिस्टेड। बाकी कंपनीज को हम बोलते हैं अनलिस्टेड। तो तुम लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक सेक्टर कंपनी हो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एवरी कंपनी शुड प्रिपेयर एंड कीप फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर। अभी कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर रहता है वो अप्रैल टू मार्च रहता है। कुछ केसेस में एक्सेप्शन अलाउड है, लॉ में आप सीखोगे।
April to March account. For every financial year, you have to maintain books of accounts. I did not say financial statement. Financial statements are 129. This is 128, section 128 of Companies Act. Books of accounts. Then you should prepare financial statement and other relevant books and papers, vouchers, registers. Bahut sare registers aapko bataunga. ये जस्ट बैकग्राउंड है. क्वेश्चन आपको कहा आएगा पी एंड एल बैलेंस शीट के, लेकिन बैकग्राउंड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. विच गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू. देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू. कोई डेफिनेशन नहीं ट्रू एंड फेयर का. ट्रू एंड फेयर इज सब्जेक्टिव. कोई भी ऐसा एग्जॉस्टिव ये देखो ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं. ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन टेक अ डिसीजन. देयर इज नो एरर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. देयर इज नो फ्रॉड कमिटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो ट्रू एंड फेयर बोलने का क्राइटेरिया क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल होने चाहिए. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजफुल होने चाहिए. यू शुड नॉट गिव अनवांटेड इंफॉर्मेशन. सो यूजफुल रिलायबल क्रिस्प इंफॉर्मेशन आपने उसके अंदर दे दी है ताकि इन्वेस्टर्स, बैंक, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जिनको भी डिसीजन लेना है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे वो डिसीजन ले पाए. सो यू हैव टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स दैट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, दैट एक्सप्लेन वट एवर ट्रांजेक्शन्स यू हैव डन ड्यूरिंग द ईयर. तो उससे आपने क्या, लेट्स आई वॉन्ट टू नो कि आपने कितने अमाउंट की मशीनरी खरीदी है, या आपने कितना एक्सपोर्ट्स किया है और फॉरेन करेंसी कमाया, आपने कितने इम्पोर्ट किए, या आपने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया, या आपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कितना खर्च किया. ये अगर मुझे जानना है एज अ एक्सटर्नल यूजर, एज अ गवर्नमेंट, तो मुझे ये इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए. कहां से मिलनी चाहिए? तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से. एंड दे शैल बी केप्ट कंपल्सरीली यूजिंग व्हाट? अक्रूअल बेसिस. चॉइस नहीं है कंपनी को. कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करने का चॉइस नहीं है किसको? कंपनी को. फॉर कंपनी लॉ पर्पज, छोटे सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, वो कुछ भी कर सकते हैं. हाँ बोले वो कैश सिस्टम फॉलो कर सकते हैं क्या? हाँ, मैंने आपको कल बोला था देर आर थ्री फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस. किसने भी लिखे ये अजम्पशंस? मैंने लिखे, तुमने लिखे, फिर ICAI ने लिखे. कहां पे लिखे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 के अंदर लिखे हैं ये सारे अजम्पशंस. सो ऑन योर स्क्रीन फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस. कितने बच्चे? तीन बच्चे. गोइंग कंसर्न, अक्रूअल, कंसिस्टेंसी. अक्रूअल क्या बोलता है? अकाउंट फॉर एक्सपेंसेस एज एंड व्हेन द एक्सपेंडिचर इज अक्रूड. व्हेन विल एक्सपेंडिचर अक्रू? Depends on the nature of expense. You will learn for various expenses. मैंने आपको कल सिर्फ retirement benefit का एक example दिया था. So accrual basis पे ही आपको ये financial statements maintain करने पड़ेंगे by following what? Double entry system. Double entry आपको समझ ना? Debit. For every debit there is credit. For every husband there is a wife. So ये कहाँ पे रखने हैं? At registered office or at a ब्रांच ऑफिसेस. ब्रांच के जो ट्रांजेक्शन है उसके डॉक्यूमेंट्स आप ब्रांच के जगह पे रख सकते हो. हेड ऑफिस के ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड आप एचओ पे रख सकते हो. अगर आपको कहीं और रखना है तो भी पॉसिबल है. आप आरओसी को 7 दिन के अंदर इन्फॉर्म करो. दिस इज लीगल प्रोविजन, नॉट रिक्वायर्ड. तो कंपनी लॉ ने पहले क्या बोला? सेक्शन 128 ने बोला कि हाउ यू शुड मेंटेन यूअर बुक्स ऑफ अकाउंट्स गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू. बट ये मत समझना कि सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है. जनरल नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ कुछ स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स लिखे. आई नेवर नो ऑन विच पॉइंट इंस्टीट्यूट विल आस्क अ एमसीक्यू क्वेश्चन. सो यू शुड ऑलवेज बी रिसेप्टिव. पहली बार एमसीक्यू आने वाला है मई 2024 में अंदर, और वो एमसीक्यू बाहर भी नहीं आने वाले. इंस्टीट्यूट वापस लेके जाती पेपर. तो यू विल नेवर एवर नो कि क्या टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे. किसी को भी मालूम नहीं. You should be listening to the concept. कौन से पॉइंट के ऊपर मैं एमसीक्यू बना सकता हूं? प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता. तो कंपनी को बहुत सारे एडिशनल रजिस्टर्स भी रखने पड़ते हैं इन एडिशन टू बुक्स ऑफ अकाउंट.
चार्जेस, चार्जेस मतलब क्या चीज होती है, कंपनी ने अपने प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लिया, कंपनी ने प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लिया तो वो प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं, वो किसके साथ, बैंक के साथ वो प्रॉपर्टी गिरवी रखी जाती है। सो आपको कंपनी लॉ के अंदर आरओसी के पास जाके उस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज रजिस्टर करना होता है, बैंक का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी पे, वो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, अरे बोलो, रजिस्टर करना पड़ेगा, ताकि कोई भी आदमी उस कंपनी को वापस लोन देना चाहता है या कोई भी बैंक वापस लोन देना चाहता है, वो बैंक पहले आरओसी के या एमसीए के, आरओसी का नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट पर जाके चेक करें कि ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी किसी और को तो चार्ज नहीं है ना, तो आप एमसीए के वेबसाइट पर गए तो आपको ये रजिस्टर पैसा देके मिलता है, फ्री में नहीं देख सकते आप ये। सो एमसीए के आपको यूजर आईडी लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा, लेट टू रजिस्टर एंड देन मोदी जी नमस्ते, तो एमसीए सर्विसेज करके चीज रहता है, एमसीए सर्विसेज में गए तो आपको रजिस्टर ऑफ चार्जेस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा अंदर। एमसीए सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ, इधर चार्जेस के सर डॉक्यूमेंट रिलेटेड सर्विसेज चार्ज रहेगा, देखो फॉन्ट साइज इतना बड़ा है ना उसका अंदर, हाँ इधर है, देखा तुमको व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, तो आप पब्लिक डॉक्यूमेंट कंपनी के डॉक्यूमेंट्स नाम डाल के सबमिट करके कार्ट में ऐड करके आप देख सकते हो, जिनको लोन देना है वही देखे, रजिस्टर ऑफ व्हाट चार्जेस, तो कंपनी ने जो जो प्रॉपर्टी अपनी गिरवी रखी, इट कैन बी मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंपनी को भी रजिस्टर रखना पड़ता है और आरओसी के पास भी ये रजिस्टर रहता है, लोन जो जो लोन लिया है सिक्योर्ड लोन ना, क्यों अब चार्ज कब करेगा रे, आई होप यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोन, सिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड, मतलब यू टुक अ लोन बाय गिविंग अ सिक्योरिटी, अनसिक्योर्ड लोन मींस नो सिक्योरिटी, तो चार्ज कब क्रिएट होगा, व्हेन देयर इज अ सिक्योर्ड लोन, व्हेन देयर इज अ अनसिक्योर्ड लोन देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ, समझा गया, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर नहीं बोलते हम उसको लीगली, वी कॉल देम एज अ मेंबर्स, वो मेंबर्स का रजिस्टर रखना पड़ता है, क्यों, कल डिविडेंड देने का है, किसको देने का, टू हूम शुड वी गिव डिविडेंड, डिविडेंड शुड बी गिवन टू मेंबर, बट मेंबर ऑन व्हाट डेट, लुक एट दिस, माय क्वेश्चन टू यू इज, लिखो क्वेश्चन, आईटीसी डिक्लेयर्ड, आईटीसी डिक्लेयर्ड डिविडेंड, आईटीसी डिक्लेयर्ड डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23, आईटीसी डिक्लेयर डिविडेंड फॉर द एफवाई 22-23, हु विल रिसीव दिस डिविडेंड, हु विल रिसीव डिविडेंड, ऑप्शन ए शेयर होल्डर फॉर द ईयर, शेयर होल्डर फॉर द एंटायर ईयर 22-23, शेयर होल्डर फॉर द एंटायर ईयर 22-23, नेक्स्ट बी शेयर होल्डर ऑन 1/4/2022, शेयर होल्डर ऑन 1st April 22, सी शेयर होल्डर ऑन 31st March 23, शेयर होल्डर ऑन 31st March 23, ऑप्शन डी नोटा, डू नॉट आंसर, डू नॉट आंसर, ऑनलाइन पब्लिक चैट बॉक्स में टाइप करो तुम, ऑफलाइन पब्लिक रेज योर हैंड व्हेन आई टेक अ ऑप्शन, पहले हाथ ऊपर कर दिए, कौन सा ऑप्शन के लिए हाथ ऊपर कर दिया तूने, लेट्स से दोज इन फेवर ऑफ ए रेज योर हैंड, ए ए ए, ऑप्शन बी 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 सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, सो ऑलमोस्ट 70% स्टूडेंट्स आर फॉर ऑप्शन सी, उसके बाद डी है और उसके बाद ए है, मेजॉरिटी इज फॉर ऑप्शन सी एंड मेजॉरिटी इज यूजलेस पाकिस्तानीज, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू।
Congratulations. Correct answer is D. A is even more hopeless. Foundation pass, okay. आए ना ऑप्शन सी बोल रहे उधर ऑनलाइन भी हा 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 क्या करो करो ऑल टाइप करो सी 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 आपने तो ए बोला करेक्ट आंसर है नोटा नन ऑफ द आप बोलेंगे क्यों क्योंकि आपको ये रजिस्टर का कंसेप्ट ही मालूम नहीं है बेसिक कंसेप्ट है लॉ का डिविडेंड तुम लोगों ने क्या क्या अरे सब ईयर के एंड में जिसके पास शेयर्स है उसको डिविडेंड मिलेगा बेशरम कही है व्हेनेवर यू टेक एनी कॉर्पोरेट एक्शन लाइक डिविडेंड या बोनस शेयर्स या बायबैक ऑफ शेयर्स या राइट शेयर्स या आप कंपनी को डीमर्ज कर रहे हो स्प्लिट कर रहे हो या कंपनी का मर्जर कर रहे हो दूसरे कंपनी के अंदर या आप डिविडेंड दे रहे हो या शेयर्स को स्प्लिट कर रहे हो या शेयर्स को कंसोलिडेट कर रहे हो इन सारी चीजों को एक शब्द में कहते हैं कॉर्पोरेट एक्शन क्या वर्ड यूज किया मैंने कॉर्पोरेट एक्शन व्हेनेवर कंपनी टेक्स एनी कॉर्पोरेट एक्शन कंपनी ऑलवेज फिक्सेस और कंपनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू फिक्स समथिंग कॉल्ड एज रिकॉर्ड डेट आपने नोटबुक में चीजें आपके खुद के इंफॉर्मेशन के लिए नोटिंग करते रहना चाहिए नहीं करना है आपको आपके दिमाग के ऊपर भरोसा है आप रखिए मैं हर चीज लिख नहीं सकता हूं बच्चों मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा बहुत ज्यादा नॉलेज देते जाऊंगा यू शुड बी इफ इंटरेस्टेड नोटिंग डाउन रिकॉर्ड डेट कंपनी फिक्स करती है तो डिविडेंड किसको मिलेगा बोनस शेयर्स किसको मिलेंगे या जब मर्जर होगा तो किसके शेयर्स मतलब ट्रांसफर हो जाएंगे या किसको शेयर्स मिलेंगे राइट शेयर्स जो भी है ये सारे कॉर्पोरेट एक्शंस आप धीरे धीरे सीखोगे कुछ चीजें आप के सिलेबस में भी नहीं है फाउंडेशन में गई है लॉ में आप सीखोगे कुछ चीजें तो कंपनी को क्या फिक्स करना पड़ता है बच्चों अरे बोलो कंपनी को रिकॉर्ड डेट फिक्स करना होता है रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या है उस डेट पे जो भी कोई आदमी या औरत या कंपनी या जो भी है हूएवर इज अ मेंबर ऑन द रिकॉर्ड डेट शैल बी एलिजिबल फॉर डिविडेंड और शैल बी एलिजिबल फॉर बोनस और शैल बी एलिजिबल फॉर व्हाटएवर इज एक्शन वो एक्शन के अंदर जो भी कुछ बेनिफिट मिलने वाला है या जो भी कुछ होने वाला है वो किसको मिलेगा अरे रिस्पॉन्स यार रिकॉर्ड डेट पे जो शेयर होल्डर है शेयर होल्डर नहीं मेंबर उस मेंबर को मिलेगा तो ये रिकॉर्ड डेट किधर देखने को मिलता है हर कंपनी जो लिस्टेड है उसके कॉर्पोरेट एक्शन आपको स्टॉक एक्सचेंज पे मिलते हैं अनलिस्टेड कंपनीज अपने अपने शेयर होल्डर को ईमेल भेज के बोलते हैं लिस्टेड कंपनी भी ईमेल भेजते हैं बट अगर आपको आप तो शेयर होल्डर नहीं तो आपको देखना है तो फॉर एग्जाम्पल मैं गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे आई एम गोइंग टू व्हाट बीएससी इंडिया तो बीएससी इंडिया पे आपको कोई भी कंपनी है वो उसका सारा का सारा कच्चा चिट्ठा आपको जो भी लीगली रिक्वायर्ड है यहां पे मिल जाएगा आईटीसी गेट कोट आईटीसी लिमिटेड इंडियन टोबैको लिमिटेड अभी अभी उन्होंने घनो बड्डो डिविडेंड दियो मैं आईटीसी पे क्लिक किया हूं आ जाएगा नेट तो यहां पे जाके आप कॉर्पोरेट एक्शन देख सकते हो रिकॉर्ड डेट देख सकते हो उस दिन पे किसको डिविडेंड मिलेगा रिकॉर्ड डेट जो रहेगा उस दिन जिसका भी नाम उस रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है उसको डिविडेंड तो मैं जब डिविडेंड की जर्नल एंट्री पास करूंगा डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक लेकिन देने का किसको वो किधर लिखा रहेगा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स तो उस दिन का रजिस्टर ऑफ मेंबर मेरे को निकालना प्रिपेयर करना पड़ेगा अब ये रजिस्टर ऑफ मेंबर कोई छोटा मोटा काम नहीं है ये बनाने को बहुत टाइम भी लग सकता है तो बहुत सारे कंपनीज क्या करते हैं वो बोलते हैं दो तीन दिन रिकॉर्ड डेट फिक्स करते हैं वो बोलते हैं कि उसके पहले दो तीन दिन या उसके बाद के दो तीन दिन हम कुछ शेयर ट्रांसफर की एंट्री ही नहीं करेंगे ताकि उस दिन कौन लोग हैं वो हम क्या करें लिस्ट आराम से बना पाए दो तीन दिन लग सकते हैं आपको दिखाता हूं I'll show you. तो आपको यहां पर कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट या कॉर्पोरेट एक्शन बहुत सारे एक्शन दिखते तो हमें कॉर्पोरेट एक्शन पे जाना है गया मैं कॉर्पोरेट एक्शन के लिए अब देखो
उन्होंने डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड 6.75 रुपीज का अनाउंस किया है, उसका रिकॉर्ड डेट यहां पे दिखता है तुमको, लिखा तुमको आईटीसी ने फाइनल डिविडेंड दे दिया। कितने का डिविडेंड दिया? फाइनल डिविडेंड मतलब 22 तेईस के लिए और कोई डिविडेंड नहीं, ऑलरेडी उन्होंने दिया था दो बार, 6 रुपया ऑलरेडी दिया था, 2.75 रुपीज दिया था, और कितना दिया? 6.75 रुपीज का डिविडेंड दे दिया। रिकॉर्डेड क्या है उसकी? 30 मई 2023। मतलब जिस किसी आदमी के पास 30 मई 2023 को वो शेयर्स थे डीमैट अकाउंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। कुछ समझा क्या? सो डिविडेंड किसको देंगे? जो भी शेयर होल्डर रिकॉर्ड डेट पे शेयर्स ओन करता है उसको। 30 में रिकॉर्ड डेट है, लेकिन तुमने शेयर 30 मई के सुबह खरीदा, 30 मई के सुबह खरीदा, तो तुम्हारे डीमैट अकाउंट में 30 मई को आता क्या? नहीं, डीमैट अकाउंट में शेयर्स खरीदने के बाद आने के लिए कुछ टाइम लगता है, वो टाइम ट्रांजैक्शन डेट प्लस, शांत हो जा बेटा, प्लस ईदर 1 वर्किंग डे और 2 वर्किंग डेज रहता है डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। मेजॉरिटी कंपनीज अभी T+1 पे जा चुके हैं इंडिया में। जिस दिन आप शेयर खरीदोगे उस दिन के अगले वर्किंग डे को, क्योंकि नेक्स्ट डे कैन बी हॉलीडे ऑल्सो, अगले वर्किंग डे को क्या आएगा? आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स आ जाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज, कुछ कुछ कंपनी अभी भी T+2 पे है, और जो अनलिस्टेड कंपनी है वहां पे तो 30 दिन तक समय लग सकता है, क्योंकि उससे भी ज्यादा लग सकता है। शेयर ट्रांसफर, शेयर आपने जब खरीदा तो ये कोई सब्जी नहीं है, ये लो पैसा, दो सब्जी, तो मार्केट में गए, पैसा दिया, सब्जी मिलता कि नहीं? यहां पे सब्जी नहीं खरीद रहे हो, मंडी नहीं है, तो यहां पे क्या लगता है? टाइम लगता है। किस चीज के लिए? जिसने शेयर खरीदे उसके अकाउंट में शेयर्स आने चाहिए और उसके बैंक से पैसा जाना चाहिए। बोले पैसा, पैसा तो इमीडिएट जाता, फिर बोले पैसा गया लेकिन शेयर्स नहीं आया, तो नहीं। उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज का एक गारंटी, कॉर्पोरेशन क्लियरिंग हाउस रहता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, देयर इज अ प्रोसेस, ऐसा होता नहीं। तो पैसा गया आपका, मैंने कितना दिन बोला? T+2 या T+1, अभी आईटीसी के केस में T+1 है। अब देखो कहानी सुनो, देखिए कहानी, रिकॉर्ड डेट क्या है? 30 मई। यू वांट टू गो मैड? पीछे वाला पब्लिक, तुम भी मैड जा सकता है। यू वांट टू गो मैड? यस, ओके। 30 मई रिकॉर्ड डेट है, तो आपको शेयर कब खरीदने पड़ेगा? 30 मई को डे क्या था पहले? लेट मी चेक द डे ऑन 30 मई। 30 मई वॉज ट्यूजडे। 30 मई वॉज वॉट? ट्यूजडे। ट्यूजडे इज अ वर्किंग डे, मतलब कोई यहां पे सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। क्लास को नहीं बोला मैंने स्टॉक एक्सचेंज पे, क्लास को सैटरडे संडे छुट्टी बोला क्या मैंने? तो कल आओगे क्या तुम? परसों आओगे क्या तुम? संडे को आओगे क्या तुम? क्यों? संडे को छुट्टी तुमको? किसने बोला? कब बोला मैंने? मैंने बोला संडे को छुट्टी, कौन से संडे को छुट्टी है वो थोड़ी बोला मैंने। अरे गडकरी नीचे जैसे बोला मैं भी बोल सकता ना। ट्यूसडे को क्या है? वर्किंग डे है 30 मई। तो अगर आपने 30 मई को शेयर खरीदा, आपके अकाउंट में कब आएगा? 1 तारीख को। 29 मई को आपने शेयर खरीदा तो आपके अकाउंट में कब आएगा? 30 मई को। आपको डिविडेंड मिलेगा क्या? हाँ, क्यों? 30 मई रिकॉर्ड डेट है, तो डिविडेंड किसको मिलेगा? जिसके पास शेयर डीमैट अकाउंट में है। कौन से तारीख को? 30 मई 2023 को। तो उसको कितने दिन का डिविडेंड मिलेगा? पूरे साल का। बोलेंगे हाँ हाँ, 1 दिन के लिए शेयर है और डिविडेंड पूरे साल का, ये क्या ना इंसाफी है? ये स्टॉक मार्केट है, ये लॉ है। बोलेंगे गलत है ना सर, 1 दिन के लिए, मतलब किसी ने अगर 29 मई को शेयर खरीदा और 1 जून को बेचा तो उसको डिविडेंड मिलता?
और बोलेंगे सर कितना अच्छा, 29 मई को मैं खरीदता हूं और 1 जून को बेचता हूं, या 29 मई को खरीद के 30 मई को जी बेचा तुमने तो भी तुमको डिविडेंड मिलता है। बोले कैसे सर, 29 को खरीदा, 29 को तुमने क्या किया बाय, 30 मई को तुमने क्या किया सेल, इसको क्या बोलते हैं बीटीएसटी, बाय टुडे सेल टुमारो। तो तुम्हारे डीमैट में एंट्री कब होगा इसका, डीमैट अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जो तुम्हारा अकाउंट होगा उसमें क्या होगा, डीमैट में एंट्री कब होगा, 29 को खरीदा, T+1 है आईटीसी के केस में, टी ट्रांजैक्शन डेट प्लस वन, तो तुम्हारे डीमैट अकाउंट में एंट्री होएगा 30 मई को। इधर से तुम्हारे डीमैट अकाउंट से जाएगा 31 मई को, 30 मई को सुबह सुबह तुम्हारे अकाउंट में शेयर आ जाएगा, शाम में तुम शेयर होल्डर थे तो तुमको डिविडेंड मिलेगा, 31 मई को तुम्हारे अकाउंट से शेयर चला जाएगा। आप बोलेंगे लेकिन डिविडेंड कमा के जाएंगे, ऐसा नहीं होता, क्यों, 29 मई को तुमने शेयर खरीदा था, अज्यूम करो फॉर एग्जाम्पल 430 रुपए को, अज्यूमिंग अदर थिंग्स बींग कॉन्स्टेंट, डिविडेंड 6 रुपए का है, अज्यूम राउंड ऑफ कर रहा हूं, 30 मई को शेयर का प्राइस 424 होता है, अज्यूमिंग देर इज नो चेंज इन द शेयर प्राइस बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे शेयर प्राइस चेंज होते रहता है, वो अभी अपना काम नहीं है। बोलो बच्चों 430 पे तुमने खरीदा और अगले दिन तुम जब बेचने गए तो प्राइस कितना हो गया 424, क्यों रे, क्योंकि डिविडेंड मिला है तुमको, तुम ऐसा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तुम क्या सोच रहे थे 430 को खरीदेंगे अगले दिन 430 के बेचेंगे, इसके मन में लड्डू फूटा था, कौन था वो टोपी वाला ना, लड्डू फूटा था कि नहीं मन में, गया लड्डू क्यों, क्योंकि शेयर का प्राइस डिविडेंड डिक्लेयर हो, डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट होने के बाद, या रिकॉर्ड डेट नहीं बोलते इसको, एक फैंसी वर्ड यूज कर क्या, ये 29 को बोलते हैं हम लास्ट कम डिविडेंड डेट, कम डिविडेंड डेट। इसका हमें बहुत काम आएगा जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 सीखेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, क्या वर्ड यूज किया मैंने, कम डिविडेंड डेट, कम का मतलब इंक्लूडिंग लास्ट डेट ऑन विच यू शुड बाय शेयर्स सो दैट यू विल गेट अ डिविडेंड एंड यू शुड नॉट सेल ऑब्वियसली। 29 मई या उसके पहले अगर आपने शेयर खरीद लिया है और आपने बेचा नहीं है 29 मई तक, तो आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। आपने एक दिन भी खरीदा होगा तो भी पूरे साल का डिविडेंड मिलेगा। बोले कितना अच्छा सर, अरे कितना अच्छा क्या, कितना अच्छे ऐसा, तुम क्या कर रहे थे, तुम गधों ने क्या आंसर दिया था, पहले ए वाले गधे, ए वाले गधे क्या थे, ए वाले गधे का एक ऑप्शन क्या दिया था मैंने, एक साल, जिसके पास पूरे साल के लिए शेयर है उसको डिविडेंड मिलेगा, मतलब डिविडेंड लेने के लिए मेरे को पूरे साल शेयर ओन करते बैठना पड़ेगा। चलो साल के 12 महीने में से 1 महीने शेयर मेरे पास थे, 3 महीने जोशी जी के पास थे, 4 महीने सचिन तेंदुलकर के पास थे, ऐसे अलग अलग लोगों के पास थे। कंपनी के हर एक को जाके बोलेगा 6 रुपए में से लो 1 रुपया तुम्हारा, 1.5 रुपया तुम्हारा, 2 रुपया तुम्हारा, ये क्या प्रसाद है, सबको बांटते फिर रहे हम। कंपनी क्या बोलता है, हमने जो डेट बोला उस डेट पे जिसके भी पास शेयर है उसको हम पैसा देंगे। तो जब आप 29 मई को शेयर खरीदते हो तो आपको शेयर खरीदते टाइम पे ही डिविडेंड का पैसा देना पड़ता। तुमने जब 430 को शेयर खरीदा ना, तो 430 में क्या छुपा हुआ है, डिविडेंड छुपा हुआ है, दिख रहा है क्या तुमको, देखो, अरे देखो ना, ऑनलाइन पब्लिक दिखा होगा तुमको, 430 के अंदर कोई इधर उधर डिविडेंड छुपा हुआ है, कुछ लोग देख रहे हैं सच में, डिविडेंड इज देयर व्हेन यू बाय द शेयर एट 430, इट इज अज्यूम दैट यू आर पेड फॉर व्हाट, डिविडेंड। तुमने शेयर खरीद लिया, समझा गया, कब खरीदा बच्चों, 29 मई को, तुम या उसके पहले खरीदा और तुमने बेचा नहीं है तो तुमको डिविडेंड मिलेगा क्योंकि तुम शेयर होल्डर है। कौन से डेट को शेयर होल्डर है, रिकॉर्ड डेट, रिकॉर्ड डेट कौन फिक्स करता है, कंपनी। और ये 30 मई को हम बोलते हैं रिकॉर्ड डेट भी है और उसको और एक बोलते हैं एक्स डिविडेंड डेट, एक्स इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर
excluding, not the x that you have. Do you have x? Yes. Foundation was your x. Inter is your. You want to go, you want to make Inter also your x? रुक डाउट पूछा मैंने ये जो मेरे मेरे एक्सप्लेन खत्म एक्सप्लेनेशन खत्म होने दे कोठरी नहीं है नया कोठरी है कोठरी अभी सुधर गया पेन खाने के आते तो उसकी अभी तक गई नहीं लेकिन लॉलीपॉप लाके दूं तेरे को सो एक्स एक्स मतलब एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग का मतलब उस दिन आपने शेयर खरीदे तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा क्योंकि 30 तारीख को खरीदा तो आपके अकाउंट में एंट्री कब आता है आपके डीमैट अकाउंट में एंट्री कब होएगा 31 मई को एंट्री होएगा अगर 31 मई को एंट्री होएगा तो आपको शेयर क्या नहीं होगा सॉरी डिविडेंड नहीं मिलेगा डिविडेंड का डेट चला गया तो अब ऑप्शन देखो तुम इसके अब ये किसको डिविडेंड देने का 30 मई के शाम के 5 बजे मेरे को रजिस्टर ऑफ मेंबर्स चाहिए अब ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रहता तो कुछ मिनटों में भी मिलता है ये डाउनलोड करना पड़ता है सिर्फ बट चलो डाउनलोड करने के लिए आधा घंटा गया नेट नहीं था तो कंपनी ने बोला 30 मई 2023 को जिसकी भी एंट्री रहेगी वहां पर शाम के 5 बजे उसके बैंक अकाउंट में हम क्या करेंगे 6 रुपया पर शेयर ट्रांसफर करेंगे या जो भी अमाउंट है इसके लिए क्या रखना पड़ता रजिस्टर ऑफ मेंबर इसका जर्नल एंट्री पास करना पड़ता बुक्स ऑफ अकाउंट में इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर इन द बुक्स ऑफ कंपनी आगे जाके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 आएगा उसमें हम बात करेंगे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स सो इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज कंपनी फिक्सेस अ रिकॉर्ड डेट एनीवन हु हैज परचेस्ड द शेयर्स प्रायर टू रिकॉर्ड डेट एंड ही इज अ शेयर होल्डर ऑन व्हाट रिकॉर्ड डेट विल गेट अ डिविडेंड सो लिखो नीचे करेक्ट आंसर डिविडेंड विल बी पेड टिक करना रीजन लिखना डिविडेंड विल बी पेड टू शेयर होल्डर होल्डिंग शेयर्स डिविडेंड विल बी पेड टू शेयर होल्डर होल्डिंग शेयर्स एज ऑन रिकॉर्ड डेट डिविडेंड विल बी पेड टू शेयर होल्डर होल्डिंग शेयर्स ऑन व्हाट रिकॉर्ड डेट 30 मई को आपके पास शेयर्स होने चाहिए आपने कब खरीदे वो गया भाड़ में आपने 29 मई को खरीदे होगे आपने 28 मई को खरीदे होगे आपने 10 साल पहले खरीदे होगे आपके पास 30 मई को आपके अकाउंट में शेयर होना चाहिए आपने 10 साल पहले खरीदा और अभी तक बेचा ही नहीं तो आपको हर साल डिविडेंड मिलते गया होगा बट आपने 29 मई को खरीदा 30 मई को आपके अकाउंट में शेयर आ गया मतलब 29 मई मैंने क्या बोला 29 मई को क्या बोला लास्ट कम मतलब इंक्लूडिंग डिविडेंड ये डेट को अगर आप शेयर खरीदे तो आपको डिविडेंड मिलता एक्स डिविडेंड डेट मतलब क्या है बच्चों एक्सक्लूडिंग उस दिन से वो दिन क्या है 30 मई 2023 उस दिन खरीदा तो आपके अकाउंट में शेयर 31 मई को आता तो डिविडेंड मिलने का स्कोप क्यों नहीं है क्योंकि कंपनी ने डेट ऑलरेडी फिक्स करके रखी थी तो अब उस दिन पे कौन शेयर होल्डर है ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा रजिस्टर ऑफ ये सारे रजिस्टर सबके लॉ के सिलेबस में भी आपको आएंगे तो कंपनी ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स किए होंगे इन विच डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर इंटरेस्टेड उसका रजिस्टर रखना पड़ता है रजिस्टर मतलब नोटबुक रखो वर्ड फाइल रखो एक्सेल फाइल रखो या सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में रखो क्या फॉर्मेट में रखना है दैट इज योर चॉइस लॉ अलाउज यू टू कीप अ फिजिकल रजिस्टर लॉ अलाउज यू टू कीप इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर चॉइसिस ऑफ होम कंपनी रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर से हमने क्या किया लोन लिया होगा डिबेंचर होल्डर इज बेसिकली द वन हु हैज गिवन अ लोन टू अस तो डिबेंचर होल्डर्स का भी डेटा रखना पड़ता क्यों डिबेंचर होल्डर को क्या देंगे हम इंटरेस्ट किसको देंगे द वन हु होल्ड्स डिबेंचर्स ऑन रिकॉर्ड डेट जिसके पास पूरे साल के लिए डिबेंचर थे उसको नहीं मिलेगा जिसके पास वो डिबेंचर रिकॉर्ड डेट पे है उसको हम क्या करेंगे बच्चों इंटरेस्ट पे करेंगे
कंपनी ने जो लोन लिए रहेंगे या इन्वेस्टमेंट किए रहेंगे उसका रजिस्टर मेंटेन करो, कंपनी के जो डायरेक्टर्स रहते हैं और कंपनी का जो की मैनेजरियल पर्सोनल टॉप पोजीशंस पे जो लोग रहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या सीनियर मैनेजर या जो भी टॉप मैनेजरियल पोजीशंस है वहां पे जो लोग होते हैं उनके पास कंपनी के कितने शेयर्स है उसका रजिस्टर, टॉप लोगों के पास कितने शेयर्स है उसका एक रजिस्टर मेंटेन करो, कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उसका रजिस्टर, कंपनी के जो मीटिंग्स होते हैं, जनरल मीटिंग होते हैं शेयर होल्डर्स के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग होते हैं उसका समरी लिखना होता है आपको, मीटिंग में क्या क्या हुआ, क्या क्या डिसीजंस लिए गए, वो समरी को क्या बोलते हैं बच्चों, मिनिट बुक, मिनिट इज अ समरी। ये बीसीआर में शायद आपने मिनिट्स बनाए होंगे जिन्होंने फाउंडेशन दिया है। अदर स्टैटिस्टिकल बुक्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन, बहुत सारी चीजें लॉ में रिक्वायर्ड है। एनीवन हैज अ डाउट ऑन दैट डिविडेंड वाला पार्ट? जी भाई साहब, रिकॉर्ड डेट कंपनी कितने टाइम पहले अनाउंस करती है, कोई रूल नहीं है, हर एक कंपनी का अपना अपना डिसीजन है। हाउ मेनी डेज इन एडवांस कंपनी अनाउंसेस अ रिकॉर्ड डेट? कुछ लोग 5 दिन पहले करते, कुछ लोग 10 महीना, 10 महीने थोड़ा ज्यादा हो गया, 10 दिन पहले करते। व्हेन डू यू अनाउंस रिकॉर्ड डेट? इट्स योर चॉइस। सर एक्स डिविडेंड डेट में शेयर प्राइस गिर जाएगा क्या? सर वास्ता मैंने वही लिखा था, एक्स 30 में क्या है, एक्स डिविडेंड डेट है, एक्स डिविडेंड डेट को शेयर प्राइस क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि तुमको डिविडेंड मिला ना, इसी बेसिकली शेयर 430 का था उसमें से 6 रुपया तुम्हारे जेब में आ गया, तो अभी शेयर का प्राइस क्या बढ़ना चाहिए क्या फिर? हाँ, बाकी फैक्टर की वजह से शेयर का प्राइस बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। बिकॉज ऑफ डिविडेंड ओनली प्राइस ऑफ द शेयर शुड कम डाउन ऑन विच डेट? एक्स डिविडेंड डेट। क्यों? सिंपल लॉजिक लगाना, तुम्हारे जेब में 430 रुपए था, 6 रुपए का तुमने चाय पिया, इमेजिन दैट चाय एज अ डिविडेंड, इट्स अ मनी गॉन आउट। तो लिखो नीचे ऑन एक्स डिविडेंड डेट, एक्स इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर वॉट, एक्सक्लूडिंग, ऑन एक्स डिविडेंड डेट प्राइस ऑफ अ शेयर, ऑन एक्स डिविडेंड डेट प्राइस ऑफ अ शेयर डज कम डाउन, प्राइस ऑफ अ शेयर डज कम डाउन बाय अमाउंट ऑफ डिविडेंड, इट कम्स डाउन बाय अमाउंट ऑफ डिविडेंड। रिकॉर्ड डेट अगर पता होगी तो उसके पहले ही शेयर क्यों बेचेगा? अरे उसकी चॉइस है ना, तुम क्यों पूछ रहे हो? जिसको बेचने का है वो बेचेगा ना, तुमको अकाउंटिंग पूछा ना, अब क्यों बेचेगा आदमी? अब उसको बेचना है यार, उसको लगता है शेयर और गिरेगा नीचे या उसको कुछ और लग रहा है। व्हाई विल पर्सन बाय और व्हाई विल पर्सन सेल? इट इज हिज। सो मैंने सिर्फ आपको क्या एक्सप्लेन किया, डिविडेंड का रिकॉर्ड, एक्स डिविडेंड जब होता है तब प्राइस नीचे आता है, बाकी टाइम पे प्राइस पे क्या इंपैक्ट आता है दैट डिपेंड्स ऑन मार्केट कंडीशंस, उसका कोई डिविडेंड अनाउंस होने के बाद क्या होता है या क्या होता है उसका कोई ऐसा गारंटीड रूल, एक चीज गारंटीड है, क्या गारंटीड है, जिस दिन भी डिविडेंड का एक्स डिविडेंड डेट है उस दिन क्या होगा, शेयर का प्राइस कम होगा, दैट्स द ओनली थिंग दैट इज श्योर, बाकी चीजें कुछ भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द मार्केट कंडीशन, उसके बारे में कोई भी कमेंट करना गलत होगा। हाँ आई एम सेइंग ड्यू टू डिविडेंड प्राइस विल कम डाउन, बाकी फैक्टर्स भी होते हैं, प्राइस इज नॉट अफेक्टेड बाय जस्ट, देर आर न्यूमरस फैक्टर्स यू विल लर्न इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हर एक कंपनी को एक एन्युअल रिटर्न भरना पड़ता है, एन्युअल रिटर्न एंड एन्युअल रिपोर्ट आर हिंदुस्तान पाकिस्तान टॉप ऑफ द पेज, ये मैं ऐसी चीजें टॉप ऑफ द पेज बोलूंगा, टॉप ऑफ द पेज मतलब आपका जो ऊपर पेज का टॉप मार्जिन है ना उसमें लिखने का, टॉप ऑफ द पेज एन्युअल रिटर्न एंड एन्युअल रिपोर्ट आर हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान लिखने का, हिंदुस्तान पाकिस्तान मतलब डिफरेंट है, आर हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान,
एन्युअल रिटर्न क्या है देखेंगे, एन्युअल रिपोर्ट क्या है वो भी बताऊंगा। हैव पेशेंस, दोनों चीजें पूरी अलग है। ऑब्वियसली हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग है ना, बहुत अलग है, थोड़ा अलग है, बहुत वेरी गुड सर। बट प्रॉफिट के चांसेस आर देयर इन सच केसेस सर, ये नहीं रहे तुमको मार्केट नहीं मालूम, जरा थोड़ा जो क्या चीज सिखा रहा हूं ना उसके ऊपर फोकस करो, फालतू का प्रॉफिट फीफिट इधर उधर को भागते तुम लोग। तुमको अभी तक एफएम का शेयर प्राइस का एबीसीडी मालूम नहीं रहे तुमको, और तुम डायरेक्ट एक्स वाई जेड पे जा रहे हैं। थोड़ा संयम रखो, शेयर प्राइस कैसे होता है क्या होता है सब कुछ समझेगा। तुमने अभी लेक्चर अटेंड नहीं किया, हमने फाइनेंस कैप्सूल लिए थे, तुम तब गोटा खेल रहे होगे घर पे। वही तो ना, शेयर प्राइस कैसे होता है लॉजिकली फाउंडेशन के बच्चों को थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए, लेकिन नहीं मालूम। मैं क्या करूं ना, मैं कुछ नहीं कर सकता, लोग सिखाते भी नहीं है। मैंने फाउंडेशन में एक बार फाउंडेशन के बच्चों के लिए अलग लेक्चर लिया था, उसके बाद फाइनेंस कैप्सूल भी लिए थे। बच्चे आते नहीं है, अटेंड नहीं करते क्योंकि उनको टाइम पास में इंटरेस्टेड है। करो फिर तो क्या है, शेयर प्राइस के ऊपर कैसा इंपैक्ट क्या होता है एफएम में समझ लो, एफएम का फी पे करना उस टाइम पे। उस टाइम पे डेमो रहेगा एफएम का। अब क्या करूं क्या मैं, शेयर प्राइस के इंपैक्ट तो भाई मैं बहुत सारे फैक्टर्स यार, वो दो मेरे को क्या 7-8 घंटे गए थे उस कैप्सूल समझाने के लिए, 2-2 घंटे के 4 दिन गए थे ना मेरे हिसाब से। एनुअल रिटर्न क्या है, एक बकवास डॉक्यूमेंट है जस्ट क्रिएटेड बाय द लॉ फॉर द सेक ऑफ ट्रबलिंग बिजनेसेस काइंड ऑफ। ये डॉक्यूमेंट में आपको कुछ चीजें है जो आपको सबमिट करनी थी। एवरी कंपनी लिस्टेड अनलिस्टेड प्राइवेट पब्लिक कुछ भी शैल प्रिपेयर एन एन्युअल रिटर्न इन अ फॉर्मेट गिवन बाय द गवर्नमेंट। एक फॉर्मेट है, उसमें कंपनी का कैपिटल कितना है, कंपनी का बिजनेस क्या है, डायरेक्टर्स कितने हैं, असेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, ऐसा इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ता है। शैल कंटेन द पर्टिकुलर्स एज द स्टूड एज एट द क्लोज ऑफ द ईयर, वट एवर योर डिटेल्स वेर देयर ऑन 31st March यू हैव टू सबमिट टू गवर्नमेंट ऑब्वियसली आफ्टर ईयर इज ओवर। दिस रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी ऑथेंटिकेटेड, ऑथेंटिकेटेड मतलब अप्रूव्ड बाय कंपनीज मैनेजमेंट, वो लॉ में तुम सीखोगे, यहां पे जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या बोला आपको कि हर एक कंपनी को एनुअल रिटर्न में कुछ बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। एनुअल रिटर्न इज अ वेरी वेरी चिल्लर डॉक्यूमेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिटर्न इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बिकॉज वहां पर आपको पूरा नोट्स टू अकाउंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट या प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियोज वो कहां पर नहीं रहते हैं एनुअल रिटर्न। फिर आप बोलेंगे क्यों बनाने का बोला, मैं क्या करूं, गवर्नमेंट ने लिखा है। हम हर चीज जो करनी पड़ती है उसके पीछे लॉजिक होता है, ऐसा मत समझो। किसी गधे ने शुरुआत में लिख के रखा था, हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं ईयर्स आफ्टर ईयर्स। एनुअल रिपोर्ट में बहुत सारी चीज आती है, बट कुछ कुछ कंपनी लोग एनुअल रिपोर्ट नहीं करता होगा इसलिए हमने एनुअल रिटर्न बनाया होगा, भगवान जाने। ये कोई मतलब एनालिटिक्स वाली काम नहीं, ये जिस कंप्लायंस है लोअर लेवल थिंग्स, दिस इज अ लोअर लेवल थिंग। यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज लोअर लेवल व्हाट इज हायर लेवल। अगर आपको लगता है आपकी लेवल लोअर है तो आप उधर रहो। एनुअल रिपोर्ट, हाँ ये बहुत खतरनाक काम का चीज होता है। कौन सा रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट में क्या रहता है? मेजॉरिटी लोगों को लगता है एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहते हैं, क्योंकि तुम सीए कर रहे हैं। एनुअल रिपोर्ट इज नॉट जस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बहुत सारी चीजें रहती है। ब्रॉडली कुछ चीजें बोल रहा हूं। नंबर वन, डायरेक्टर्स रिपोर्ट। कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, मैनेजमेंट है, उनको रिपोर्ट बनाना पड़ता है शेयर होल्डर्स के लिए। कंपनी के बिजनेस के बारे में लिखना पड़ता है, बिजनेस में क्या रिस्क है, क्या एनवायरमेंट है, क्या चल रहा है बिजनेस के अंदर, वो सारी बहुत सारी लीगल चीजें सेक्शन 134 में आप कंपनी लॉ में वो चीजें सीखोगे। डायरेक्टर्स का रिपोर्ट रहता है। देन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है बच्चों, बोल बोल बोल, P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, और एक चीज रहता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। वो लास्ट वाला जो चीज है सीए फाइनल में आएगा, इंडेस वाले कंपनीज को रहता है। क्या नाम बोला मैंने उसका लास्ट वाले का, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन। तो एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या रहता है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर ऑडिटर्स रिपोर्ट। क्या रहता है, ऑडिटर्स रिपोर्ट।
ये बेसिक चीजें होगी। इसके अलावा और लिस्टेड कंपनीज को सेबी के रूल्स के हिसाब से बहुत कुछ इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, लाइक मैनेजमेंट को डिस्कशन करना पड़ता है अबाउट द बिजनेस रिस्क, क्या क्या है धंधे में, कैसा ग्लोबल एनवायरनमेंट क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंट्री के अंदर क्या है, तुम्हारे बिजनेस को क्या इंपैक्ट हो रहा है, तुम्हारे शेयर होल्डर्स को बताना पड़ता है। तो अगर आपको कोई भी कंपनी का, लिस्टेड कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देखना है, लिस्टेड की बात कर रहा हूं, अनलिस्टेड के लिए आपको एमसीए के वेबसाइट पे जाके पैसा देके खरीदना पड़ता। अभी हम फ्री वाला चीज देखता, डेमो चल रहा है। screener.in पे गया मैं, लेट से मुझे एनुअल रिपोर्ट चाहिए, एक साइड इंडस्ट्रीज बैटरी बनाने वाला कंपनी है, सो बैटरीज बनाता है, लगता है मुझे अच्छा काम करेगा ये आगे जाके, लिथियम आयन वगैरह के बैटरीज अगर इसमें अच्छा काम किया, इंडिया में बहुत सारा लिथियम का स्टोर्स मतलब रिसोर्सेस रिजर्व्स मिले हैं, तो आगे जाके उन्होंने एक्सप्लोर करना चालू किया तो अच्छा काम कर सकते हैं। तो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि मैनेजमेंट का व्यू क्या है किसके ऊपर, लिथियम आयन के, आई होप यू नो, बैटरी फोन के बैटरीज के जैसे रहते हैं, तो ये मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू उनका लिथियम सॉरी बैटरी से आता है, बट मेरे को पूरा कच्चा चिट्ठा जानना है धंधे का, बहुत डिटेल में आपको एनुअल रिपोर्ट में मिलेगा, स्क्रीनर पे जाके यहां पर ऐसा जूम करने का, उधर डॉक्यूमेंट रहता है, ये फ्री में मिलता है, डॉक्यूमेंट में जाने का, इधर नीचे एनुअल रिपोर्ट रहता है। तो फॉर द ईयर 31 मार्च 2023 उन्होंने अपलोड किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे, वहां से ही स्क्रीनर पे आता है, वह क्लिक करता हूं, पीडीएफ खुलेगा, 365 पेज का है ये एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिटर्न जो रहता है वो 8-10 पेजेस में खत्म होता है। कौन सा वाला एनुअल रिटर्न, हम क्या सिखा रहे हैं आपको, ओए आइटम ये नहीं, टेलीग्राम नहीं, अभिषेक किधर जाने का, नोटेबिलिटी में जाने का, क्रिएट न्यू नोट, सो एक्साइड का एनुअल रिपोर्ट देख के आप एक्साइट हो जाएंगे कुछ लोग, जस्ट अ सेकेंड। तो ये एनुअल रिपोर्ट है, उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज पे सबमिट किया, अभी देखो। ओके, इसके अलावा कंपनी बहुत सारा मार्केटिंग भी करता है, प्लस कंपनी बहुत सारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देता है, चेयरमैन का लेटर रहता है, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन रहते हैं उनका एक लेटर रहता है, कंपनी सेक्रेटरी का कंप्लायंस रिपोर्ट रहता है कि लीगल कंप्लायंसेस तुमने सारे किए हैं क्या नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहते हैं, दो टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहते हैं, स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड। स्टैंड अलोन मतलब तुम्हारे खुद के, लेकिन तुम्हारे पास दो चार बच्चे हैं सब्सिडरीज, तो बच्चों का सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर्स, एसोसिएट्स, उनका और तुम्हारा मिला के एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का रहता है, तो वो भी रहता है। तो ये देखो कंटेंट क्या क्या है, नो अस, ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट, ये एडवर्टीजमेंट है, फाइनेंशियल हाइलाइट्स कंपनी के, चेयरमैन मैसेज, मैसेज फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर, आर स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज, हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, तो मार्केटिंग, बिजनेस ओवरव्यू, ग्रीन टेक्नोलॉजी में कैसे जा रहे हैं, वही तो मैं बोला आपको, मेरे को जो लग रहा है ये बंदा अच्छा काम कर सकता है आगे जाके, दैट्स व्हाट टू फोकस। आपको एक एक, आपको अगर लगता है ना सच में बिजनेसेस फाइंड आउट करना, इट्स नॉट जस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स आउटसाइड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट यू हैव टू लुक आउट। कंपनी का विजन क्या है फ्यूचर के बारे में, वो आपको P&L बैलेंस शीट में नहीं देखेगा, क्यों? P&L बैलेंस शीट इज फॉर द पास्ट, हमें क्या चाहिए फ्यूचर, कहां पे देखेगा, बिजनेस ओवरव्यू, कंपनी के प्लान्स क्या है वो सब डिस्कस करेंगे वहां पर, कस्टमर का फोकस क्या है, ESG, एनवायरमेंट, सोसाइटी, गवर्नेंस के ऊपर उनका फोकस क्या है, HR के बारे में, आर पीपल, CSR क्या कर रहे हैं, CSR लॉ में आपको आएगा सेक्शन 135 ऑफ द कंपनी एक्ट, तो उसमें हर एक कंपनी को नहीं, कंपनीज मीटिंग सर्टन थ्रेश होल्ड दे हैव टू स्पेंड 2% ऑफ देयर प्रॉफिट ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवार्ड्स क्या मिले, 10 ईयर का परफॉर्मेंस उनका, उनका कंपनी का इन्फॉर्मेशन, और ये कॉर्पोरेट ओवरव्यू था जनरल अपना मार्केटिंग वाला आइटम। फिर आगे लॉ के हिसाब से रिपोर्ट, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग आपके सिलेबस में है, डायरेक्टर रिपोर्ट आपके सिलेबस में है, इंक्लूडिंग मैनेजमेंट्स डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ द बिजनेस, ये सेबी के हिसाब से, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट सेबी ने बनाया है,
रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सत्यम के फ्रॉड के बाद सेबी ने सारे कंपनीज को ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिपोर्ट को जरूरत किया, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बोले मैंने, स्टैंड अलोन एंड बस इतने ही, 365 पेज का है। यहाँ पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। आप फाइनेंशियल आईडी देखो, देखो कंपनी बोल रहा है हमारा 15,000 करोड़ का टर्नओवर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम 1560 करोड़ कमा रहे हैं, नेट प्रॉफिट 904 करोड़ है, डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड कितना दिया तुमने 170, ये यील्ड नहीं है डिविडेंड अमाउंट है, गधा यील्ड लिखता उसको, प्रॉफिट पर शेयर कितना है, बुक वैल्यू कितना है पर शेयर, 85 रुपीज बुक वैल्यू है, शेयर प्राइस शुड बी अराउंड 260 रुपीज पर शेयर, तो आपको उसके हिसाब से रेशियोज मिलते हैं। मैंने शायद कुछ रेशियोज सिखाए थे कैप्सूल के, कुछ थोड़े बहुत रेशियो सिखाए थे फाइनेंस कैप्सूल्स करके, एक तो उनके यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा, लाइक करो सब्सक्राइब करो, नहीं रे करे जानने जो जनरल टाइम पास वाला पब्लिक है वो ऑटोमेटिकली 2-3 दिन में फिल्टर होएगा, जो क्रीम है जिसको जेन्युइन चीजें जरूरत है वो रखेगा, वो फाइनेंस कैप्सूल मैंने रेशियोज बताए थे। तो ये सारा चीज बुक्स रियलिटी में करते हैं और इसके ऊपर डिसीजंस लेते हैं लोग। तो R&D के ऊपर खर्चा क्या है, असेट टर्नओवर रेशियो कैप, ये आपके सिलेबस में असेट टर्नओवर रेशियो आएगा भी, कॉस्टिंग में पहला चीज फॉर्मेट करके रट सकते हो आप, कॉस्टिंग में FM में है कंपनी का पूरा खर्चा। देखो मैंने कल आपको उर्दू में सिखाया था रेवेन्यू मिक्स कहां से आ रहा है, रेवेन्यू मिक्स 70% ऑटोमोबाइल सेक्टर से आ रहा है, 30% इंडस्ट्रियल सेक्टर से आ रहा है बैटरी सप्लाई करके, फिर कहां से आ रहा है, इंडिया से कितना आ रहा है ऑलमोस्ट 92%, इंटरनेशनल जस्ट 8% आ रहा है बाई इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल। याद करो ये इट्स समथिंग लाइक अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, इट्स नॉट अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट बट इट्स एनालाइजिंग योर सेल्स फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स। कॉस्टिंग में अभी आधा घंटा आधा क्या ज्यादा बकबक किया था, ये कल सेगमेंट्स बोले थे मैंने, प्रोडक्ट सेगमेंट और जियोग्राफिकल सेगमेंट। अब यहां से लुकिंग अहेड विथ ऑप्टिमिज्म, ये क्या करने वाले, आपको पूरा डिटेल में जब पढ़ोगे ना तब आपको ये समझ में आएगा क्या फोकस है कंपनी का, एंड देन यू हैव टू चेक आउट इनका जिन चीजों पे फोकस है उन चीजों में ग्रोथ है क्या। अगर ग्रोथ दिखता है तो कंपनी का जो शेयर अभी चल रहा है वो रीजनेबल प्राइस पे है क्या, उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी है क्या, मैं अगर खरीदूं तो गिरने का चांस कितना है, प्रोबेबिलिटी कितना है, बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है। एंड बाय द एंड ऑफ द कोर्स यू शुड बी इन अ इंटरमीडिएट कोर्स, यू शुड बी इन अ गुड पोजिशन टू एनालाइज। एनुअल रिपोर्ट्स आपको पढ़ते आने चाहिए, ये सारा इसमें एनुअल रिपोर्ट में ये पहले बिजनेस है, आपको बहुत सारे धंधे समझने लग जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह सारे के सारे स्टैंडर्ड्स। लिस्टेड कंपनीज का पूरा चीज नहीं समझेगा मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज में इंडेस है, क्या है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज बेसिकली IFRS का कॉपी पेस्ट है। IFRS हमने एज इट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हमने एज इट इज कॉपी किए है, तो कॉपी पेस्ट करके क्या आता है बच्चों, इंडेस। हमारे सिलेबस में इंटरमीडिएट में क्या है, AS। तो थोड़ी बहुत चीजें नहीं समझेगी आपको, बट बाकी रेशोज कैलकुलेशन वगैरह तो आपके सिलेबस में है, अभी अकाउंट्स में शेड्यूल 3 में है आपके रेशोज, ये मालूम ही नहीं लोगों को, P&L बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन हो गया, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन रेशियोस आपको सारे रेशियोस, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रहेगा इधर नीचे, कंप्लीट रेशियोस कैलकुलेट करके देंगे, इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन लीगली रिक्वायर्ड है, ये रेशियोस आएंगे ना, सोलर एनर्जी पे काम कर रहा है वो, उसने लिखा था उधर रेशियोस पे आने दो, क्या पेज नंबर था याद नहीं मेरे को, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन 10 ईयर्स परफॉर्मेंस हाईलाइट्स दिया था उसने, क्या है ज्यादा में परफॉर्मेंस हाईलाइट ऊपर नहीं गया ना, पेज नंबर क्या था उसका, RPPL के बाद में था क्या, आई डोंट नो, ये सारा अवार्ड्स, हाँ ये देखो सेल्स क्या थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स क्या है, एक्सेप्शनल आइटम्स क्या थे, ये शेड्यूल 3 का समरी है, ये टैक्स, नेट प्रॉफिट, कैश प्रॉफिट, बैलेंस शीट का डेटा दे दिया उसने, टोटल लाइबिलिटीज है दिए, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, ये रेशो है आएगा आपको अभी ये चैप्टर में आएगा। सो ये सारा इंफॉर्मेशन प्लस आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिटर कौन है, इसका ऑडिटर का इंफॉर्मेशन दे दिया एंड कंप्लीट डिटेल्स, फिर ये क्या आ गया तुम्हारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिपोर्ट नोटिस आ गया, लीगल डॉक्यूमेंट्स आ गए, एनुअल रिटर्न नहीं था ये क्या था, एनुअल रिपोर्ट था,
धीरे धीरे आपको इस रिपोर्ट में से चीजें समझने लगेगी। मैं आपको अनलिस्टेड कंपनीज के कुछ एनुअल रिपोर्ट्स शेयर करूंगा टेलीग्राम पे थोड़ा एज वी प्रोसीड एक बार शेड्यूल 3 होने के बाद, क्योंकि आपको लिस्टेड कंपनीज का उतना समझने का स्कोप थोड़ा कम है, क्योंकि कुछ कुछ आइटम्स वहां पर बहुत बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे, आपको इंडेक्स मालूम नहीं अभी इसके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें क्या क्या आ गया? हमने क्या किया, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया था बच्चों, बुक्स ऑफ अकाउंट हमने मेंटेन किए, वाउचर्स किए, रिसीट्स पेमेंट के डिटेल लिखे, हमने सब कुछ लिख लिया। उसके बाद क्या आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आएगा, तुम्हारा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आप कब सीखोगे बच्चों, इंडेस सीए फाइनल में सीखोगे आप, अभी नहीं सीखोगे। आपके इंटर के सिलेबस में बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो है। कैश फ्लो मैंने सिर्फ एक अलग चैप्टर रखा है। राइट नाउ इन दिस चैप्टर आई विल टीच ओनली बैलेंस शीट, पीएनएल एंड व्हाट, नोट्स टू अकाउंट्स, ये सिखाऊंगा ही नहीं। सीए फाइनल है, कैश फ्लो भी सीखे भाई इसके बाद वाले यूनिट में। अब गवर्नमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किया है हमारे देश में। आज तक क्या था, सारे कंपनीज मतलब जो अनलिस्टेड कंपनीज है उनको एन्युअली ही सिर्फ पीएनएल बैलेंस शीट बनाने की जरूरत थी, ऑन एन्युअल बेसिस, ईयरली बेसिस। बट बैंक्स जो होते हैं, जो इन कंपनीज को लोन देते हैं, या जिन लोगों ने इन कंपनीज के शेयर्स में पैसा लगाया है, या क्रेडिटर्स होते हैं, उनको इंफॉर्मेशन पीरियोडिकली मिलना चाहिए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट किया है बाय इंट्रोड्यूसिंग सेक्शन 129A ऑफ कंपनी एक्ट, सर्टन कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, गवर्नमेंट इनको प्रिस्क्राइब करेगा, अभी तक नहीं किया है। लॉ में पहले अमेंडमेंट लाना होता है, फिर आपको नोटिफिकेशन लाना पड़ता है। सर्टन कंपनीज एज मे बी, ये अमेंडमेंट किसने लाया बच्चों, पार्लियामेंट ने लाया। कौन इंप्लीमेंट करेगा उस अमेंडमेंट को, गवर्नमेंट। सर्टन कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शल बी रिक्वायर्ड, शल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड पीरियोडिक। पीरियोडिक का डेफिनेशन कैन बी क्वार्टरली, कैन बी हाफ ईयरली, ईयरली तो नहीं हो सकता, क्यों, ईयरली ऑलरेडी है, तो पीरियोडिक कैन नॉट बी हाफ ईयर, मतलब इट हैज टू बी लेस देन ईयरली। अब ये कौन से कंपनीज है, वो गवर्नमेंट बोलेगा, क्या बेसिस पे बोलेगा गवर्नमेंट, टर्नओवर के क्राइटेरिया पे बोलेगा, या जिस कंपनी ने लोन लिया है उसको बोलेगा, या जिस कंपनी ने मार्केट में डिबेंचर्स इश्यू किए हैं उसको बोलेगा, ताकि इन्वेस्टर्स को या लेंडर्स को या क्रेडिटर्स को टाइमली बेसिस पे इंफॉर्मेशन पहुंचे। लाइक तुम्हारे मां बाप को तुम फेल होने वाला है ये कब पता चलना चाहिए, या तुम पास होने वाला है ये कब पता चलना चाहिए, तुम्हारे रिजल्ट के बाद या उसके पहले पता चलना चाहिए, उसके पहले कैसे पता चलेगा, टेस्ट के थ्रू, अटेंडेंस के थ्रू, थोड़े दिनों में तुमका तुम्हारा रोल नंबर आएगा, तुम्हारा रिसिप्ट आया होगा, तुमने एडमिशन लिया तो रिसिप्ट पे रोल नंबर रहेगा, हाँ याद रख के रखना, क्योंकि गलत एंटर किया ना तो घर पे मैसेज जाएगा मम्मी पापा को, तुम्हारा बच्चा नहीं आया था आज, फिर हमको नहीं बोलने का, सॉफ्टवेयर है। सो कैसे पता है, रिपोर्ट पीरियोडिक इंफॉर्मेशन सेक्शन 129A। तुम्हारे मम्मी पापा को जून 2024 में पता चला या जुलाई 2024 में पता चला कि अपना बच्चा पास हो गया, ओ या अपना बच्चा फेल हो रहा है, ओ ये पता उस टाइम पे चलना चाहिए, अभी से थोड़ा थोड़ा इंडिकेशन जाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा इंडिकेशन तो जाना चाहिए ना उनको, हाँ उसके ऊपर उन्होंने एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो उनका काम है, हम तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है, हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, तुम इंफॉर्मेशन इनपुट करेंगे, हाँ मिलके काम करेंगे, क्या बोल रहे, नहीं करेंगे ऐसा, मत करो ना ऐसा, बोल रहे मंग मारने का प्लान है। तो आप सोचो ना लॉजिक क्या है, पीरियोडिकली तुमको हार्ट अटैक आने वाला है, ये तुमको हार्ट अटैक आने के बाद पता चला तो कोई पॉइंट नहीं है, उसके पहले पता चलना चाहिए,
हम बोले कैसे पता चलेगा सर, ईसीजी करवाओ रेगुलर बेसिस पे, थोड़ा बहुत तो हिंट या चेकअप करवाओ चोकअप हो कि नहीं है। हाँ करता है वो, एप्पल एप्पल ने एडवर्टाइज किया था हम ये, उसकी वजह से तो मैंने लिया था, कुछ होता ही नहीं लेकिन साला कि तुमको कुछ हार्ट में दोबारा प्रॉब्लम है कुछ है तो हम क्या करेगा, वो ईसीजी निकालेगा रिपोर्ट करेगा, वो कभी हुआ ही नहीं कुछ कुछ तो एप्पल बोल। बेसिकली क्या है, तुमको एडवांस में चलो गारंटी तो नहीं है पता चलेगा, बट कुछ तो पता चलो, तो गवर्नमेंट का इंटेंशन तो ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि नहीं, अच्छा सोर्स बोलता हूं, फाउंडेशन में बोला था कि नहीं मालूम नहीं मुझे। हमेशा क्या देखने का, एमसीए के वेबसाइट पे एक ई बुक है, आदत डाल दो बेयर चीजों की, ओरिजिनल कंटेंट की, जेन्युइन कंटेंट की आदत डाल दो। एमसीए ई बुक करके है, वहां पर पूरा कंपनी लॉ और उसका रूल्स एज इट इज जो पार्लियामेंट ने पास किया है वो समझता है, उसको हम बोलते हैं बेयर एक्ट। क्या बोलते हैं, बेयर एक्ट। तो अगर मैं एमसीए के वेबसाइट पर जाके देखूं सेक्शन 129A में कौन से कंपनीज कवर्ड है, तो मेरे को क्या करना है, यहां पे लिस्ट ऑफ एक्ट है, कंपनीज एक्ट पे गया मैं, अपने को बाकी नहीं चाहिए अभी जाना, व्यू मोर जा ही नहीं रहा है अरे यार, मैं कुछ एक मिनट कंपनीज एक्ट पे क्लिक करूं, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट, अभी अभी अच्छा बोला यार मैंने इसके बारे में, पीडीएफ डाउनलोड करा, पीडीएफ अपडेटेड नहीं रहता, हूँ पीडीएफ बहुत पुराना रहता है, सो यू कैन नॉट डाउनलोड अ पीडीएफ। वापस गूगल करते हैं, दूसरा लिंक ढूंढते एक्ट्स, ये आ गया ई बुक, नीचे वाले लिंक पे जाना था, ऊपर वाला लिंक उनका चल नहीं रहा है, तो यहां पर आप जाओगे तभी भी लिस्ट नहीं आया पूरा सेक्शन का, एक्ट नहीं यार, ये देखो ई बुक पे क्लिक करना, हाँ नसीब ही खराब है यार, तुम्हारे फोन पे चल रहा है क्या, हाँ आ गया, इट्स कुछ भी अमृतकाल जो है, ई बुक पे क्लिक करें, ये जोक के लिए बोलते रहते हो मतलब, नहीं तो किस केस नहीं हो जाएगा, इतना तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडिया में, इट जस्ट मतलब टेक इट द पिंच ऑफ सॉल्ट, हमारे पॉलिटिकल व्यू, आई एम अ पॉलिटिकल पर्सन, आई डू नॉट बिलीव इन एनी पॉलिटिकल पार्टीज आइडियोलॉजीज, आई बिलीव इन द इंडियाज आइडियोलॉजी, इंडिया शुड ग्रो देन ओनली वी विल ग्रो, बीजेपी ग्रो होता है कांग्रेस ग्रो होता है उनको फायदा ज्यादा है, मेरे को क्या करना है, इंडिया का फायदा चाहिए तभी ऑटोमेटिक तुमको फायदा होता है। अब देखो इधर जाके मेरे को क्या देखना है, सेक्शन 129A कौन सा वाला, अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, उसके ऊपर क्लिक करने का, 129A क्या है वो, पीरियोडिक फाइनेंशियल रिजल्ट, वो सेक्शन क्या है उसके ऊपर क्लिक करने का, राइट साइड पे आता है वो, देखो इधर है, सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्वायर सच क्लास ऑफ कंपनीज और क्लासेस ऑफ कंपनीज अनलिस्टेड कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब, अभी एज मे बी प्रिस्क्राइब पे क्लिक हो रहा है क्या, नहीं, क्यों, हाइपरलिंक नहीं है, मतलब अभी तक कुछ प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, जिस दिन गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा ना उस दिन क्या हो जाएगा, उधर हाइपरलिंक आएगा, हाइपरलिंक क्लिकेबल लिंक आता है और उस पर लिस्ट आएगा कौन से कंपनीज प्रिस्क्राइब्ड है, तो तुमको वो कैपेबिलिटी चाहिए, फिर आप बोलेगा हर रोज थोड़ी जाके चेक करते बैठेंगे, इसलिए आपके पास प्रॉपर जब आप प्रोफेशनल बनते हो तो देर आर लॉट ऑफ जर्नल्स और वेबसाइट्स विच कीप ऑन अपडेटिंग अबाउट चेंजेस इन टैक्सेशन लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड लॉ, जो भी चीज में आपको प्रैक्टिस करना है यू शुड नो वॉट अपडेट्स यू शुड रिसीव। डू यू वॉन्ट इंस्टाग्राम अपडेट्स बाय फैकल्टी और डू यू वॉन्ट अपडेट्स विच आर ओरिजिनल, ओरिजिनल सोर्स पे जाओ, फैकल्टी हमारा मार्केटिंग करने के लिए करो बट आप खुद का दिमाग कैसे डेवलप होगा आपका, कुछ भी ओरिजिनल सोर्सेस मालूम होने चाहिए ना, तो वहां पर जाके आपको समझेगा सेक्शन 129A। नेक्स्ट, अब जब आप फाइनल अकाउंट बनाने की बात करेंगे हम, तो किसके ऊपर हमें फोकस करना है, रियल लाइफ में आपको नंबर वन शेड्यूल 3 देखना पड़ता, अप्लीकेबल स्टैट्यूट्स देखने पड़ते, अपने सिलेबस के लिए शेड्यूल 3 देखना पड़ता, बस खत्म, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखने पड़ते रियल लाइफ में अपने को, यहां पर जो चैप्टर है उसमें सिर्फ Schedule 3, right now objective of the institute is to make you understand how the format is, what is the information that we are trying to give to the investors.
इंफॉर्मेशन मतलब अभी देखा हमने 100-200 पेजेस था एक साइड का. अब बोलो इतना इंफॉर्मेशन हमको याद रखने का, इतना बनाने का, नहीं रे तुम बनाएगा 2-3 पेजेस, बट तुमको एटलीस्ट हेडिंग तो मालूम होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू किधर से भी आ सकता है. अभी देखा तुमने पहला एमसीक्यू तुम्हारा ओपनिंग कैसे हुआ, सीए कोर्स का तुमने मतलब इंटरमीडिएट का पहला एमसीक्यू रहेगा तुम्हारा. अभी तक लॉ टैक्स में कुछ दिया था तुमको एमसीक्यू नहीं आया था, तो पहला एमसीक्यू में तुम्हारा विकेट गिर गया. प्रॉमिस करता हूं तुमको, मैंने परसों भी प्रॉमिस किया था तुमको, मैं फीलिंग नहीं आने दूंगा कि क्यों. अरे वही तो इंपॉर्टेंट है, तुमको फेक फीलिंग क्यों दूं. तुमको फेक फीलिंग चाहिए तो मैं दे सकता हूं, तुम पास हो सकता है आराम से. कैसे? सेल फेक ड्रीम्स विच इज आउट द कंट्रीज. हर एक को मैं 15-15 लाख रुपया डिपॉजिट कर दूंगा ब्लैक मनी बाहर से लेके आके, जिसने भी टैक्स पे किया है सिर्फ मुझे प्राइम मिनिस्टर बनवा दो. मोदी जी ने यह कहा था, आए किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए है, 5 साल के बाद तुमको 15 रुपए में पेट्रोल आएगा. प्रॉमिस ड्रीम्स. अरे ऐसे ड्रीम दिखाओ जो सच में पॉसिबल है. हम फार्मर का इनकम डबल करके देखेंगे बाय 2021-22 कुछ तो था, डबल हो गया इनकम. पूछो ना फार्मर को जाके, इनकम डबल हुआ क्या? ड्रीम्स. ड्रीम इलेवन पे खेलने का. ड्रीम इलेवन. पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट बच्चों जिंदगी में ना थोड़ा बहुत रैशनल बनो. मैं आपको फालतू के ड्रीम्स दिखा सकता हूं, लेकिन रैशनल रियलिस्टिक बनो. वो ड्रीम्स यू शुड नो. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करने पड़ते. अभी इस चैप्टर में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ज्यादा टच नहीं करेंगे. रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड में आएगा जो शेड्यूल 3 के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें टिपिकल ट्रायल बैलेंस आएगा, और आपको ट्रायल बैलेंस के साथ थोड़े बहुत छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स आएंगे. 15 मार्क के लिए आपको P&L बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स बनाने का है. तो लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए बच्चों, याद रहना चाहिए शेड्यूल 3. थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो गया मार्क गए, बिकॉज यहां पर फॉर्मेट ही है. वो फॉर्मेट मेरा नहीं है ना, ICAI का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है. हाँ, वो फॉर्मेट एक एक पेज का है, उसमें से कुछ आइटम्स अप्लीकेबल नहीं भी हो सकते हैं किसी कंपनी को. एक एक पेज का, एक पेज का बैलेंस शीट, एक पेज का P&L, उसका एक्सप्लेनेशन अगले 20 पेजेस, और वो सच में रियल लाइफ में लिखने जाने के लिए 200 पेजेस. That much of information is there. And Mr. Chaudhary, here too much of information is not a paralysis. Or too much of analysis is not a paralysis here. क्यों? ये law है. Law बोलता है इतना information तुमको लोगों को देना पड़ेगा. क्यों देना पड़ेगा? इतने सारे लोग होते जिनको समझता नहीं है. और ये information जब आप दोगे तभी जाके decision making empower होगा. तो उसके लिए क्या क्या देखना पड़ता है? Number 1, format. Number 2, applicable statutes. स्टैच्यूट इज नॉट जस्ट द कंपनी लॉ, सेबी लॉ का रिक्वायरमेंट क्या है. क्यों? अभी अभी हमने बहुत सारी चीजें देखी जो सेबी के लॉ के हिसाब से थी. किसके हिसाब से? एक साइड का एनुअल रिपोर्ट था ना, उसमें बहुत सारी चीजें किसके हिसाब से थी? सेबी के हिसाब से थी. अब बोलेंगे क्यों? क्योंकि एक साइड इज अ लिस्टेड कंपनी. लिस्टेड कंपनीज को सेबी के रूल्स फॉलो करने पड़ते, अनलिस्टेड कंपनी को MCA के रूल फॉलो करने पड़ते. MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, नॉट यूर अफेयर्स, कॉर्पोरेट अफेयर्स. इसके एडिशन में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं ना बच्चों, वो कोई सारे एरियाज कवर नहीं करते. बहुत सारे एरियाज है जहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ही नहीं. और बोलेंगे फिर इंस्टीट्यूट के कुछ कुछ जगह पे गाइडेंस नोट्स है, तो गाइडेंस नोट्स भी देखने पड़ते हैं. तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो तुम्हारे सिलेबस में क्या है? ये है लेकिन अभी नहीं है. तुम्हारे सिलेबस में क्या क्या है बच्चों, बोलो? शेड्यूल 3 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिलेबस वाइज. बाकी चीजें रियल लाइफ में देखनी पड़ती. बाकी लॉ में क्या लिखा है बहुत सारा चीज देखने पड़ता. फॉर्मेट क्या है? अब कुछ कुछ धंधे ऐसे हैं जिनका एनालिसिस बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्पेशलाइज नेचर के बिजनेसेस है. इंश्योरेंस वेरी कॉम्प्लिकेटेड. आई विल स्टिल रिक्वायर 2-3 ईयर्स टू अंडरस्टैंड दिस बिजनेसेस. आई एम स्टिल लर्निंग इंश्योरेंस कंपनीज फॉर लास्ट 2 ईयर्स. 2 साल से पढ़ रहा हूं अभी तक. Because this is gonna be big, big sector, but I need to analyze it properly. अभी तक मेरे को समझा नहीं है पूरी तरीके से. क्यों? आज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है. फेंकने के लिए मैं फेंक सकता हूं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है.
कुछ भी नहीं समझता इंश्योरेंस का बिजनेस, टिपिकली एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का उसका जो ट्रू सेंस है वो समझने के लिए यू विल रिक्वायर अ हेल लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड इन डिटेल. इंश्योरेंस कंपनीज नहीं आपके सिलेबस में, बैंकिंग कंपनीज ये थोड़ा आसान है कंपैरेटिवली. इंश्योरेंस इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू. फ्रॉम अ पॉलिसी होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज मच इजी, और एनी अदर क्लास ऑफ कंपनी विच फॉर विच सेपरेट फॉर्मेट इज गिवन बाय अ सेपरेट लॉ, तो उनके लिए जो लॉ में फॉर्मेट दिया दूसरे लॉ में वो फॉलो करो. शेड्यूल थ्री नहीं है तो किसके लिए शेड्यूल नहीं है? बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी एंड एनी अदर कंपनी. एनी अदर में आज कल कुछ म्यूचुअल फंड्स के, म्यूचुअल फंड्स में नहीं यार, कोई कंपनी नहीं है ऐसे एनी अदर कंपनी फॉर विच सेपरेट फॉर्मेट इज गिवन. कुछ कुछ हो सकता है जो गवर्नमेंट ने स्पेशल पर्पज कंपनीज किए हैं और उन कंपनीज के लिए स्पेसिफिक गवर्नमेंट ने फॉर्मेट बनाया कोई दूसरे लॉ में, तो उनको उस फॉर्मेट में P&L बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा. मैं जो अभी शेड्यूल थ्री सिखाऊंगा वो शेड्यूल थ्री बैंकिंग कंपनी को बिल्कुल अप्लीकेबल, इंश्योरेंस के लिए बिल्कुल अप्लीकेबल. शेड्यूल थ्री किसके लिए अप्लीकेबल है? एनी अदर कंपनी, उसको शेड्यूल थ्री अप्लीकेबल है. क्यों? बैंकिंग कंपनी का रॉ मटेरियल क्या होता है? मनी. फिनिश प्रोडक्ट क्या होता है? मनी. हाँ बोलेंगे है, हाँ डिपॉजिट लेता है, लोन देता है, बीच में मार्जिन कमाता है. जो रेट पे डिपॉजिट लिया, जो रेट पे लोन दिया, वो रेट सेम नहीं होता है, लेकिन बीच में बैड डेट्स आता है, बीच में CRR आता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आता है. कुछ समझा? तो बहुत सारी चीजें होती है. तो आपको बैंकिंग बिजनेस को जो इंफॉर्मेशन होता है वो अलग टाइप का होता है. उसको कैपिटल एडिक्वेसी के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसमें आप कितना लोन ले सकते हो उसका लिमिट होता है, अलग अलग लिमिट है, अलग अलग लिमिट्स है. तो ये कंपनीज का एनालिसिस अलग है, तो हम वो नहीं डिस्कस कर रहे हैं. हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बच्चों? बोलो. एनी अदर कंपनी, उनके लिए फॉर्मेट कहां पे लिखा है? बोलो. शेड्यूल थ्री में लिखा. अभी शेड्यूल थ्री के अंदर तीन अलग अलग डिविजन्स है. डिविजन वन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, डिविजन टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विच आर बेसिकली IFRS प्लस माइनस समथिंग्स. वो जो प्लस माइनस होता है हमने क्या किया है? IFRS जो इंटरनेशनल रूल्स है उनको लिया, लेकिन हमने बोला हमारे इंडिया में कुछ चीजें हैं जो हमें स्पेसिफिकली एड करनी है अकाउंटिंग रूल्स में, तो उसको एड कार्व इन बोलते हैं. क्या वर्ड यूज किया मैंने? सो IFRS प्लस कार्व इन. कार्व इन मीन्स एडेड. कुछ चीजें हमने बोला हमको नहीं चाहिए हमारे देश में, कार्व आउट्स. उसको ये ऐसा फॉर्मूला बना के क्या आता है बच्चों? ये फाउंडेशन में था बच्चों, सिखाया होगा मैंने पक्का. नहीं सिखाया था? इंडेस. इंडेस इज इक्वल टू IFRS प्लस माइनस दिस. ये फाइनल में डिटेल में आपके, अभी नहीं है इंटरमीडिएट में, जस्ट जनरल नॉलेज. IFRS ये क्या किया हमने? बेसिकली इंडिया हैज बिकम काइंड ऑफ IFRS कंप्लायंट नेशन. वी आर सेड टू बी IFRS कंप्लायंट बट देर आर सम डिफरेंसेस, इट्स नॉट एग्जैक्टली IFRS एज इट इज. हमने क्या किया बच्चों? IFRS में से कुछ चीजें क्या की? निकाल दी, क्योंकि हमारे देश में नहीं चाहिए हमको. कुछ चीजें हमने ऐड की. क्यों? अपने अपने देश के हिसाब से. इंडिया इज अ सॉवरेन नेशन. हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस लाइन? इंडिया इज अ सॉवरेन नेशन. कौन से जमाने से रहे तुम लोग? कौन से साल में पैदा होते रहे? 2005. ओके. इंडिया इज अ सॉवरेन नेशन, नहीं समझा तुमको? हमारा सार्वभौमत्व बरकरार है हमारे. इफ यू आर अ सॉवरेन नेशन यू हैव कैपेबिलिटी टू मेक योर ओन रूल्स, ओन regulations. India can make its own rules and regulations. India can issue its own currency. There are certain countries which don't have their own currency. How? Huh? Therefore, given up. India is a sovereign country. We can make any rules and regulations for us. Obviously, we cannot make rules for Pakistanis. Let them make on their own. So, Pakistan mein wo kabhi kabhi sovereign rehta hai, kabhi kabhi military ke paas chale jaate hai wo. उनका भरोसा नहीं. अभी किसके पास है मालूम नहीं मुझे.
मिलिट्री के पास अभी या क्या है? उनका प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कभी होता है, कभी प्राइम मिनिस्टर भाग जाते हैं बेचारे, मतलब क्या उनके लोगों का क्या हालत है मालूम नहीं. दैट्स वाई हेट्रेड शुड नॉट बी देयर एंड आई फॉर आई विल मेक होल वर्ल्ड ब्लाइंड. महात्मा गांधी जी ने बोला था, आप टेररिज्म करते रहोगे, ऐसे फालतू चीजें करते रहोगे तो यही होगा, जाने दो. तो इंडिया में हमारे पास पूरा अथॉरिटी है रूल्स बनाने का, तो हम दैट इज कॉल्ड सॉवरेन नेशन. तो हमने क्या किया, अपने हिसाब से रूल्स बनाए. अब लेकिन ये जो कार्विन कार्व आउट्स है ये इतने बहुत ज्यादा नहीं है. तो हमने जो स्ट्रक्चर है ना, मेन स्ट्रक्चर जो इसेंस है किसका, IFRS का, वो हमने मेंटेन रखा है, हमने वो उसको खत्म नहीं किया है इंडेस को. तो हमारे सिलेबस में क्या है, डिवीजन 1, डिवीजन 2 नहीं है, डिवीजन 3 NBFCs के लिए है, नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज उसके लिए भी अलग से प्रेजेंटेशन होता है, अलग रूल है. बैंकिंग कंपनीज कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑफ बोथ द टाइप्स, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट. दो टाइप के डिपॉजिट रहते हैं बच्चों, टाइम डिपॉजिट एंड, दोनों डिपॉजिट ले सकता है बैंक. डिमांड डिपॉजिट मतलब सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, टाइम डिपॉजिट FD. NBFC क्या ले सकता है, ओनली टाइम डिपॉजिट. NBFC cannot take a डिमांड डिपॉजिट. तो उनके बिजनेस में भी कुछ अलग रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं, तो उसके लिए अलग अकाउंटिंग फॉर्मेट है. तो बोलो हमको करने का क्या है, डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3, फोकसिंग ओनली ऑन P&L बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट्स. P&L बैलेंस शीट अभी हम देखेंगे, आगे जाके कैश फ्लो भी देखेंगे. कैश फ्लो मतलब तुम अगले चैप्टर में, तब बाय व्हाट डेट कैश फ्लो विल बी, इसके बाद मैं कैश फ्लो पे जाऊंगा. पहले मैं शेड्यूल 3 लेके कैश फ्लो पे जाऊंगा बाय 31st August, बाय दिस मंथ एंड तुम जन्नत लेवल पे जाएगा. मैं तुमको स्टॉक मार्केट में लॉन्ग रन में पोर्टफोलियो में कितना रिटर्न मिल सकता है, वो रिटर्न कमाने के लिए क्या ढूंढना चाहिए, तुमने प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए, कैश फ्लो देखना चाहिए. उसमें भी कैसे ढूंढने का, वो तुमको कैश फ्लो के बाद बताएगा, याद दिलाना मेरे को सिर्फ. बहुत खतरनाक वाला रिपोर्ट शेयर करेगा जो समझने के लिए तुमको 3 महीने लगेगा. बट वो मेरे को जिस उम्र में बताया या जिस उम्र में मुझे समझा और आपको जिस उम्र में समझेगा उसमें कम से कम 20 साल का गैप है. 20 साल पहले आपको समझ सकता है. That's the power that you people have if you are willing to learn. If you are willing to learn. Syllabus में है वो, syllabus कहते हैं कुछ ऐसा crazy concept नहीं, आपको basic idea बोलूंगा, आप ढूंढते रहना. Cash flow statement है, तो अभी हम ऐसे जाएंगे Schedule 3 की तरफ जाते हैं. हाँ, Division 1, Division 2 मैंने आपको बोला, फिर Division, हर एक Division के अंदर अपने को किसके ऊपर focus करने का, सिर्फ Division 1. Division 1 में Part 1 है जो बैलेंस शीट है, पार्ट 2 जो है वो P&L है. समझा क्या? P&L बैलेंस शीट में हमेशा आपको फिगर्स जो है राउंडिंग ऑफ करना है. राउंडिंग ऑफ के लिमिट्स देके रखे, लिमिट्स देखेंगे बाद में. यू विल हैव टू शो द फिगर्स विच आर राउंडेड ऑफ, आइदर फिगर्स इन रुपीज 1000 और रुपीज लैक्स और रुपीज क्रोर्स. ऐसे आपको फिगर्स क्या करने पड़ेंगे, राउंड ऑफ करने पड़ेंगे. इंस्टेड ऑफ गिविंग द एक्चुअल फिगर यू विल हैव टू गिव राउंडेड ऑफ फिगर. क्यों, इंस्टेड ऑफ पुटिंग द सच ए लेंथी फिगर्स एंड यू हैव टू राउंड इट ऑफ. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन शेड्यूल 3 आई विल एक्सप्लेन लिटिल लेटर. लेट मी कम डाउन टू फॉर्मेट फर्स्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जिन लोगों को रहता है वो फॉर्मेट है. तो हम अभी फॉर्मेट पर थोड़ा चेंज करते हैं स्टाइल. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आऊंगा ना मैं, मेरे को मालूम है सिर्फ क्या है. बहुत खतरनाक खतरनाक है, बाद में एंड में याद दिलाना सिर्फ, पूरा खत्म करने के बाद, तब तक डेमो खत्म हो जाएगा. हाँ मतलब एक और 2 दिन चलेगा क्या, आज क्या दिन है, दूसरा दिन. हाँ ये थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, बस सुन लेना. शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ये, आपको कम से कम मान के रखो 20-30 बार तो मिनिमम बनाने का है पूरे साल, 20 मिनिमम. बहुत अच्छी चीज है समझने के लिए और ये पूरा चीज एक्सप्लेन करने के लिए आज का बाकी का लेक्चर प्लस कल का लेक्चर जाएगा.
बोलेंगे है एक पेज है सर बैलेंस शीट और पी एंड एल, ऑब्वियसली दोनों दो पेज, ये पी एंड एल है ये बैलेंस शीट है, भूल जाओ लायबिलिटीज रुपीज असेट्स रुपीज, गया वो बचपन था तुम्हारा, खत्म हो गया बचपन। यहां से आगे आपको अभी सीए फाइनल तक कभी भी लायबिलिटीज रुपीज असेट्स रुपीज नहीं बनाने का है एग्जाम के लिए, समझने के लिए बना सकते हैं आप, समझने के लिए मैं भी आपको बना के देखो कभी कभी लायबिलिटीज रुपीज असेट्स रुपीज, और मैं फॉर्मेट बहुत बार क्या करके रखूंगा कॉपी करके रखूंगा, क्यों बार बार मेरे को नहीं लिखना पड़ेगा तुमको लिखना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास आईपैड नहीं है, कॉपी होता है ना। ऐसा कॉपी नहीं होगा है, होता है सो लिखेंगे डर मत। तो हमको नो दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चों, जोक नहीं है, देखो याद रखने के लिए तुमको चाहिए मेमोरी टेक्निक, ये बिल्डिंग में ऐसे ऐसे मेमोरी टेक्निक मिल सकते हैं तुमको या पूरे कंट्री में, एस आर एम सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ऐसे अभी बनाया मैंने, एल डी ओ एल लार्ज डॉल है मेरे पास, लार्ज डॉल डीओएल, एस टी ओ एस क्या है सटॉस, ऐसा कुछ तो बनाने का, ऐसा मैं तो मेरा टाइम ही और एनर्जी ही मैं इन चीजों पे वेस्ट करूंगा कि आपको कैसे याद रखूंगा, और इतने एंड तक आप इतने एक्रोनिम्स याद रखोगे कि आपको बाद में याद नहीं रहेगा कौन से सब्जेक्ट में कौन सा एक्रोनिम पढ़ा था। क्या बोले अब? नहीं मैं नहीं सिखा सकता, मेरे से पूरे से एक ही शॉट मैं आपको कॉस्टिंग में एक बार बोलूंगा, क्योंकि एक बच्चे ने बोला था उसने बहुत अच्छा बना के दिया था मेरे को पिछले मई 23 के बैच में बोला था, वो मैं कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर में बोलूंगा कंसेप्ट एक्सप्लेन करने, उसने बहुत अच्छा ऐसा मस्त वही गाना बनाया उसने सर ने, ऐसा धोया था ना उसको मैंने, लेकिन बच्चे बात में बोले लेकिन सर अच्छा है ना सर, नहीं मेरे से नहीं हो सकता। मैं आपको इसको मैं तुमको बोलता हूँ इसमें से जेन्यूनली हर एक पॉइंट के अंदर बहुत कंटेंट है, ये मैंने सिर्फ फॉर्मेट है, अब उसके ऊपर हर एक पॉइंट के ऊपर क्या क्या लिखना है, शेयर कैपिटल में क्या क्या लिखना है, क्या होता है रिजर्व सरप्लस, क्या होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग, क्या होता है, ये सिर्फ मैंने लिखा है। हाँ ये सिर्फ, फिर मैंने टैक्स का अकाउंटिंग कैसे होता है, डिविडेंड का अकाउंटिंग क्या होता है उसके ऊपर लिखा है, बहुत सारी चीजें है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एमसीक्यू कहां से कौन से पॉइंट पे आएगा मैं नहीं बोल सकता यार, और अगर कोई बोल रहा है तो आपको झूठ बता रहा है, मैं नहीं गारंटी दे सकता हूं यार, मैं नहीं दे सकता हूं, मैं झूठे प्रॉमिस कभी जिंदगी में नहीं दूंगा। तो आपको ये पी एंड एल बैलेंस शीट समझना है, और फिर मैं आपको इसके ऊपर क्या करेगा एक रियल लाइफ के एक नहीं तीन चार एग्जांपल दे दूंगा अनलिस्टेड कंपनीज के, पीडीएफ आपको शेयर करूंगा ताकि आप उसको क्या कर लो गो थ्रू करना, मैं भी क्लास में वो पीडीएफ यहां पर डिस्कस करके आपको शेयर करूंगा, बट पहले अभी थियोरेटिकली तो पहले डिस्कस करने दो। सुन लेना, पहले कंपनी फंड्स कैसे रेज करता है, इक्विटी एंड डेट, आज का लेक्चर जाएगा, आज का एक घंटा बाकी है, कल का ढाई घंटा, आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो मैं कल का ढाई घंटा आधे घंटे में भी खत्म कर सकता हूं, आज के एक्चुअली आज के आधे घंटे में भी खत्म हो सकता है, मैं मेरे तरफ से मैं कोशिश करेगा, नहीं समझा तो तुमको अल्टीमेटली फॉर्मेट क्या है, 10 बार लिखने के बाद तुमको भी याद रहेगा यार, उतना तो तुमको आता है। कंपनी कैपिटल कहां से रेज करेगा, इक्विटी डेट, समझा, डेट इज बेसिकली बोरोड फंड्स विच आर रीपेएबल, इक्विटी इज ओनर्स मनी, बट इन इंडिया वी हैव वन मोर थिंग, इन इंडिया नहीं वर्ल्ड वाइड ऑल्सो, विच इज हाइब्रिड, हाइब्रिड मीन्स विच हैज अ फीचर्स ऑफ इक्विटी ऑल्सो एंड डेट ऑल्सो, दोनों के फीचर्स है,
अब नहीं मतलब इक्विटी से परमानेंट, इक्विटी का ऐसा कोई ड्यू डेट ऑफ रीपेमेंट नहीं होता है। मैं कंपनी हो, मैं आपको पब्लिक ऑफर कर रहा हूं शेयर्स, ए पब्लिक शेयर्स लो, शेयर्स लो, ऐसा नहीं बोलते, स्टॉक एक्सचेंज पे जाके बोलना पड़ता है, नहीं तो तुम जाके सारसबाग में कल जाके चिल्लाओगे, प्रेस्टीज के बाहर लीफलेट बांटते बैठोगे। मैं कौन हूं? कंपनी। तुमको शेयर्स इश्यू कर रहा हूं पब्लिकली या प्राइवेटली, इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रहा हूं, उसका कोई टेन्योर होता है क्या? टेन्योर मतलब ये 10 साल के शेयर है, 10 साल के बाद मैं तुमसे शेयर्स वापस लूंगा और पैसा वापस दे दूंगा, गारंटीड है 10% पर एनम। नहीं, इक्विटी इज अ परमानेंट कैपिटल। डेट जो होता है, डेट हैज अ बोलो ड्यू डेट, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद या ईयरली आप रीपे करोगे, एंड डेट के केस में आप एक कोई तो इंटरेस्ट रेट का गारंटी देते हो। नॉर्मली डेट इज सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन असेट्स, एक वर्ड आया था याद होगा तो, यू क्रिएट अ चार्ज ऑन व्हाट? असेट्स। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यू क्रिएट अ चार्ज, वेरी गुड, ऑन व्हाट? असेट्स। फॉर व्हाट? टेकिंग अ डेट। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स आर हाइब्रिड ऑफ दिस टू। इक्विटी शेयर्स अनसिक्योर्ड होते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर्स भी अनसिक्योर्ड रहते हैं। इक्विटी शेयर्स को कोई आप गारंटी, सिक्योरिटी कोई कंसेप्ट ही नहीं रहता है। फिर आप बोलेंगे इक्विटी शेयर्स में पैसा डालना रिस्की है, डेट में पैसा डालना भी रिस्की होता है लेकिन कंपेरेटिवली लेस रिस्की है। डेट में भी पैसा डूब सकता है, व्हेन यू पुट अ मनी इन अ डेट ऑफ अ कंपनी कैन यू लूज अ मनी? यस, कोई गारंटी नहीं है। सिक्योरिटी मतलब इज नॉट गारंटी। तुमने क्लास लगाया, कोई गारंटी नहीं है पास होने की। बोलो क्या सर, डेमो में ही बोल रहे तुम? डेमो में तो कम से कम बोलो 100% पास करवा दूंगा। मैंने क्या बोला अभी अभी? झूठे प्रॉमिसेस तो नहीं हो सकते? मतलब मैं बोलता हूं तुम नहीं, नहीं तुम सिर्फ क्लास अटेंड कर बेटा, तू सर कुछ भी मत कर, तू तेरी जिंदगी सेट हो जाएगी, तू पास हो जाएगा, तेरे को जॉब मिल जाएगा, तेरे को शादी हो जाएगी, सब मैं सब कुछ मैं ही करूं, सब कुछ मेरी वजह से होगा क्या? इक्विटी डेट, इक्विटी के केस में कोई गारंटी नहीं है, कोई प्रॉमिस नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। डेट के केस में हमने एटलीस्ट प्रॉमिस किया, लेकिन कोई 100% गारंटी है क्या डेट के केस में? नो। समझ गया क्या? नेक्स्ट सुन लेना अब ठीक से। प्रेफरेंस शेयर्स में थोड़ा इक्विटी का फीचर है, थोड़ा डेट का है। प्रेफरेंस शेयर्स आर रीपेबल, उसको रिडीमेबल बोलते हैं। क्या वर्ड? रिडीमेबल। जस्ट लाइक डेट इज रीपेबल, प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑल्सो रीपेबल। प्रेफरेंस शेयर्स ऑल्सो कैरी अ फिक्स रेट ऑफ व्हाट? डिविडेंड, लाइक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रेफरेंस शेयर्स पे जैसे सॉरी डिबेंचर्स पे या डेट पे, डेट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लोन, डेट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स हैव फीचर्स ऑफ बोथ। फिक्स कैपिटल, फिक्स इंटरेस्ट, फिक्स डिविडेंड देना पड़ता है। ऑन प्रेफरेंस शेयर्स वी कॉल इट एज अ डिविडेंड, ऑन डिबेंचर्स और लोन वी कॉल इट एज इंटरेस्ट। सो ऑन योर स्क्रीन सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, तीन बच्चे, इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी अनसिक्योर्ड, नो गारंटी, नो फिक्स रिटर्न, वी पे इक्विटी डिविडेंड इफ वी वॉन्ट, इफ वी मतलब कंपनी वॉन्ट, व्हाट डू वी पे? इक्विटी डिविडेंड। डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स। अंडरस्टूड? इक्विटी, डेट, रीपेबल, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जनरली सिक्योर्ड। सिक्योर्ड डज नॉट मीन गारंटीड। इंटरेस्ट इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप बोलेंगे क्यों? इंटरेस्ट इज अ एक्सपेंडिचर, डिविडेंड इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन इज आउट ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट इज नॉट आउट ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट इज एक्सपेंडिचर। तो आप पहले खर्चा करते हो और फिर टैक्स भरते हो, या पहले टैक्स भर के खर्चा करते हो, खर्चा करके टैक्स भरते हैं ना? अब कुछ लोग उसमें फेक भी खर्चा दिखाते,
कभी कॉस्टिंग लेक्चर एक मैडम आई थी, उनको लग रहा था कि कॉस्ट वगैरह, कॉस्टिंग में मैं जो भी झोल मतलब झोल जल नहीं, कुछ भी कॉस्ट इधर उधर करूंगा उससे टैक्स के इम्पैक्ट आएगा. नहीं, टैक्स हैज नथिंग टू डू विथ वॉट यू डू इन अकाउंटिंग, वॉट यू डू इन कॉस्टिंग और वॉट यू डू एनीवेयर एल्स. टैक्स इज ऑफ इट्स ओन, वो अलग ही दुनिया है. विजय सर तुमको बताते रहेंगे दुनिया अलग है, अलग मतलब कुछ भी चलते रहेंगे उधर, क्योंकि उसका लॉजिक अलग है, उसका भी लॉजिक है, उसका लॉजिक फिस्कल पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट है. टैक्स इज नॉट फॉर प्रिपेयरिंग P&L बैलेंस शीट. टैक्स का लॉजिक क्या है, गवर्नमेंट को टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, गवर्नमेंट को कुछ सेक्टर्स को इंसेंटिवाइज करना है, कुछ सेक्टर्स को डिसइंसेंटिवाइज करना है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, प्राइस लेवल को ज्यादा मॉनिटरी टैक्स से थ्रू कंट्रोल नहीं होते इतने, बट टू एन एक्सटेंट. तो गवर्नमेंट को खुद एक्सपेंडिचर करना होता है, तो उसके लिए टैक्स है. टैक्स इज कंप्लीटली डिफरेंट. उसका मतलब जब भी आप अकाउंट पढ़ते हो या कॉस्टिंग पढ़ते हो ना, तो टैक्स के एंगल से सोचना मत ज्यादा, क्योंकि इनका रिक्वायरमेंट अलग है, उसका रिक्वायरमेंट अलग है. तो ये इक्विटी डेट प्रेफरेंस से आप फंड्स रेज करते हो. तो हमें बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट इज बेसिकली नथिंग बट सोर्सेस ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. हाउ इसलिए मैं क्रिकेट में फेल हुआ था. सो बहुत गंदी तरीके से आ रहा है यार हमको. वो ऋषभ, अरे वो ऋषभ सर बोले मैं अच्छा खेलता हूँ, मतलब वो अच्छा खेलते हैं तो, लेकिन मैं नहीं खेला. मेरा स्कोर 2 रन बनाए थे 4 मैच में मिलके. धन्यने यार, क्यों बुरे दिन याद दिला रहा है. सो हाँ, सोर्सेस 3 आ गए. ये मेरा लायबिलिटी साइड है बेसिकली. सोर्सेस फंड्स कहां से तुमने रेज किए, और वो फंड्स के साथ क्या करेंगे हम, अप्लाई करेंगे. अप्लाई मतलब बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, असेट्स खरीदेंगे ना उससे. सो बेसिकली लायबिलिटी साइड इज नथिंग बट हाउ डू यू रेज फंड्स, एंड असेट साइड इज व्हाट, हाउ डू यू अप्लाई फंड्स. आर यू क्लियर? अब फंड्स इक्विटी is not only by issue of shares. हैं? हाँ, अभी थोड़ा डीप में जाते हैं. बैलेंस शीट फॉर्मेट में आएंगे, वापस चालू कर. सोर्सेस ऑफ फंड्स, असेट साइड बाद में, अभी तक अपना लाइबिलिटी साइड नहीं खत्म हुआ आज. लाइबिलिटीज इतने, तो असेट्स बाद में क्रिएट करेंगे. 3 बच्चे, इक्विटी. इस बच्चे पे जूम इन करो. क्या जूम इन, क्या दिख रहे रे? क्या दिख रहा है? द फंड्स दैट वी रेज बाय इश्यूइंग शेयर्स प्लस रिटेन्ड अर्निंग. बाउंसर. इक्विटी 2 बच्चे. फंड्स रेज्ड बाय इश्यूइंग शेयर्स, उसके भी 2 बच्चे करेंगे वापस. हाँ, तो अभी हम ग्रैंडफादर लेवल पे इक्विटी, अभी पप्पा बच्चे होंगे. इक्विटी डिवाइडेड इनटू वन फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट क्या है? फंड्स रेज बाय इश्यूइंग. दूसरा पार्ट क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस और प्रॉफिट्स प्लाउड. ये अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? इधर भी आते हैं, पहले इधर लेफ्ट. फंड्स रेज बाय इश्यूइंग शेयर्स. जब मैं शेयर्स इश्यू करता हूं, तो आइदर आई इश्यू शेयर्स एट फेस वैल्यू और प्रीमियम. फेस वैल्यू को पार बोलते, वो शनि पार नहीं है, पार इधर एक एरिया है पुणे में जिनको मालूम नहीं है, कुछ ग्रेट नहीं जाए मत. सो यू इश्यू शेयर्स इधर एट फेस वैल्यू और प्रीमियम. फेस वैल्यू कौन डिसाइड करता है? कंपनी. कोई फॉर्मूला? बिल्कुल नहीं. कोई लॉजिक? बिल्कुल नहीं. ब्रिटिशर्स ने लिख के रखा, हम उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं. देयर इज नो लॉजिक ऑफ बाइफर्केटिंग इश्यू प्राइस ऑफ शेयर बिटवीन व्हाट, फेस वैल्यू एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम. किसी के, आई एम रेडी टू डिबेट विद एनी पर्सन फ्रॉम द होल कंट्री विद इन अ नॉन वायलेंट मैनर.
आ जाओ, बट अभी मेरे को सिखाना पड़ेगा, लेकिन बाइफर्केशन सिखाना पड़ता है, बाइफर्केशन इंपॉर्टेंट है। फंड्स रेज, 10 रुपए का शेयर हमने इश्यू किया 225 रुपए पे। 225 को क्या बोलते हैं? इश्यू प्राइस। 10 को क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। डिफरेंस को क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या बोलते हैं हम? क्यों बोला रे? क्योंकि इनकी हेडिंग अलग अलग है, अलग अलग जगह पे दिखाना पड़ता। फेस वैल्यू अलग हेडिंग के अंदर दिखाना पड़ता। अभी तक इक्विटी पे प्रेफरेंशियल जाएंगे, डेट जाएंगे, हैव पेशेंस, धीरे धीरे सारा स्टोरी कंप्लीट होएगा। फेस वैल्यू अलग जगह पे दिखाना पड़ता, सिक्योरिटीज प्रीमियम अलग जगह पे दिखाना पड़ता। क्यों है? अब जिन जिन लोगों को मैंने फाउंडेशन में सिखाया उनको मालूम रहेगा ये कंसेप्ट, उसमें से भी आधे भूल चुके होंगे एक्चुअली। टिपिकली व्हेन आई आस्क अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम नॉट थिंक स्टूडेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फॉरगेट स्टूडेंट्स, व्हाट आर रिजर्व्स एंड सरप्लस? रिजर्व्स एंड सरप्लस आर प्रॉफिट्स प्लाउड बैक। एब्सोल्यूट बुलशिट। ऑल एवरीथिंग दैट यू शो अंडर रिजर्व्स एंड इज नॉट प्रॉफिट प्लाउड बैक। जनरल पर्सन के लिए, सी व्हेन यू आर अकाउंटेंट तो आपको थोड़ा ज्यादा मालूम होना चाहिए। जनरल पब्लिक के लिए रिजर्व सरप्लस इज प्रॉफिट प्लाउड बैक इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। जनरल पब्लिक का ठीक है ना यार, हम जनरल नहीं ना। द वन हु अंडरस्टैंड्स द वर्ल्ड व्हेन एंटायर वर्ल्ड इज स्लीपिंग इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। यो एश सुप्तेशु जागृति, तुम्हारे इंस्टीट्यूट का लोगो है क्या बोले आपने? क्या अपना इंस्टीट्यूट? मैंने क्या बोला? तुम्हारा कभी कभी इंस्टीट्यूट तुम्हारा रहेगा, कभी कभी मेरे अकेले का रहेगा, कभी कभी हम सबका रहेगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट कॉन्टेक्स्ट आई एम स्पीकिंग। तो है, मैंने कहीं बोला कि मैं परफेक्ट आदमी हूं? नहीं, कभी कभी गलतियां करूंगा। तो देखो मैंने क्या बोला, वापस इक्विटी के कितने बच्चे पैदा किए मैंने? दो। फंड्स रेज्ड, फंड्स रेज के कितने बच्चे पैदा हुए? दो। पहला बच्चा क्या है? फेस वैल्यू, और दूसरा बच्चा क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम और दूसरा रहता है रिजर्व्स। दीज आर एक्चुअली रिजर्व्स के जगह पे मैं बोलता हूं इसको सिंपल भाषा में प्रॉफिट्स प्लाउड बैक। ट्रूली स्पीकिंग प्रॉफिट प्लाउड बैक इज रिजर्व सरप्लस, बट हम कुछ अलग करने वाले हैं। क्यों रे भाई? है करने वाले हैं। देखो, फेस वैल्यू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक से सुनना, फेस वैल्यू एंड प्रीमियम, ट्रूली दिस इज नथिंग बट कैपिटल। ये दोनों सच में बोलने जाए तो कैपिटल है, क्योंकि क्या मैंने शेयर इश्यू करके 225 कमाया, 225 लिया, कमाया नहीं, कमाया बोले तो रेवेन्यू होता है। मैंने शेयर इश्यू किया 10 रुपए फेस वैल्यू का, कितने में इश्यू किया? 225। ऊपर का 215 क्या है? प्रीमियम। अरे सच में प्रीमियम मतलब कैपिटल ही है। 10 रुपया इधर, इधर 215। क्या मैं वो 215 में से डिविडेंड दे सकता हूं? अरे इनको कुछ तो नाम देना चाहिए, ये तो सहारा डेजर्ट नाम दिया था मैंने इन लोगों को, अभी उस लहर बेसहारा रिस्पांस करो यार, है ऐसे शक्ले शक्ले लेके बैठते ना। सो सुन लेना, सुनो, 215 में से डिविडेंड दे सकता हूं क्या? नहीं। क्यों? डिविडेंड इज आउट ऑफ प्रॉफिट,
ये 215 प्रॉफिट है क्या? तभी भी मैं रिजर्व्स में दिखाऊंगा इसको. क्यों? क्योंकि किसी ने तो ये पहले लिख के रखा था हमारे कंट्री में, वो मालूम नहीं वो आदमी कौन है. तो हम सच में बोले तो ये 225 अपना कैपिटल है जिसमें से डिविडेंड नहीं दे सकते हो तुम. कोई पॉइंट ही नहीं है इसको बायफर्केट करने का, लेकिन है, कर रहे हैं हम. इसको दिखाएंगे आरएनएस रिजर्व्स एंड, और इसको दिखाएंगे हम शेयर कैपिटल के हेडिंग के अंदर, और ये भी हम रिजर्व सरप्लस में दिखाएंगे. तो जब रिजर्व सरप्लस की बात आती है कंपनी के बैलेंस शीट में, तो रिजर्व सरप्लस का मतलब क्या होता है? अरे बोलो, रिजर्व सरप्लस का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट्स प्लाउड बैक प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम. हैज पेटीएम मेड नेट प्रॉफिट सो फार? आंसर इज नो. हैज जोमैटो मेड अ नेट प्रॉफिट? यस, अभी अभी एक क्वार्टर में थोड़ा सा प्रॉफिट कमाया 2 करोड़ का, वो टैक्स की वजह से हुआ, तो समझेगा तुमको बाद में. अभी अभी एक बच्चा पूछ रहा था मेरे को ब्रेक में, कौन था, किधर गया वो? हाय, समझेगा समझेगा, AS22 में समझाएगा. अच्छा डाउट पूछा था उससे, उसका तेरा कंपनी कौन सा था वो? वाओ, जोर से बोलना. रैंडम कंपनी था, तेरे को नाम मालूम नहीं. ठीक है, जोमेटो ने प्रॉफिट कमाया क्या? अभी 2 करोड़ का कमाया, लेकिन अब तक क्या कमाया जोमेटो ने? लॉसेस. तो जब मैं रिजर्व सरप्लस जोमेटो को देखूंगा, लॉजिकली रिजर्व सरप्लस क्या होने चाहिए? निगेटिव होने चाहिए. क्यों निगेटिव होने चाहिए? लॉसेस है ना, गन्नो बड्डो लॉस कियो जोमेटो ने. उसने ब्रिक, वो क्या नाम उसका, बिग बास्केट को एक्वायर, बिग बास्केट ही ना, हाँ ब्लिंकिट, ब्लिंकिट माय मिस्टेक, बिग बास्केट टाटा का है, ब्लिंकिट को एक्वायर किया. ब्लिंकिट ने भी बहुत सारे लॉसेस किए हुए हैं. ब्लिंकिट इज ओन्ड बाय जोमेटो नाउ, इन केस यू नो. चलो देखते हैं जोमेटो ने क्या किया. लॉस, अगर लॉस किया तो तुम्हारा रिजर्व सरप्लस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए? क्यों निगेटिव होना चाहिए? तुमने लॉस इज निगेटिव ना यार, उतना तो समझता ना तुमको, वो भी नहीं समझता तो जूनियर केजी में जाओ यार. किधर जाएगा हम? स्क्रीनर नहीं, स्क्रीनर बोर हो गया अभी, तिजोरी में जाते हम. ये स्क्रीनर तिजोरी प्लूम्बक का तुम्हारा औकात नहीं है. ये स्क्रीनर तिजोरी सस्ते लोगों के लिए है. इनका सबका बाप दुनिया भर का एक है, ब्लूम्बक 22 लाख रुपया लेता है 1 साल का डेटा देखने के लिए दुनिया भर में से. ब्लूम्बर्ग इज फॉर कॉर्पोरेट, इट्स नॉट फॉर इंडिविजुअल्स. अरे तिजोरी दिखा रही है. अब वो गूगल को मालूम नहीं ना, बट चलो उसने एटलीस्ट दिमाग तो लगाया. मैंने जो चीज ज्यादा बार सर्च की वो पहले दिखाई, तिजोरी फाइनेंस. ये थोड़ा सा स्क्रीनर से एडवांस्ड है, थोड़ा एडवांस नहीं बोलूंगा, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका अच्छा है. ऐसे बहुत सारे स्क्रीनर्स है अपने कंट्री में. तो हम इधर, अच्छा लॉगिंग करता हूं पहले. ये तिजोरी में आप एक दिन में एक ही कंपनी देख पाओगे एक डिवाइस पे, ठीक. दूसरे डिवाइस है तो दूसरे डिवाइस पे करोगे, नहीं तो आपको पैसा मांगेगा तिजोरी. मेरे पास मैंने दिया हुआ है, तो लॉगिंग करता हूं. या तुम्हारा जीरो तक का अकाउंट है तो आई डोंट नो जीरो तक के अकाउंट पे कितना देता है वो. यार वो ईमेल नहीं लिया गधे ने, यूज फोन करता हूं. हाँ तो मैं तिजोरी में गया. तिजोरी में क्या क्या? जोमैटो, जोमैटो के हमें क्या देखने हैं? फाइनेंशियल्स देखने हैं. फाइनेंशियल्स में बैलेंस शीट देखना है. बैलेंस शीट असेट्स दिखा रहा है पहले, लायबिलिटीज नीचे दिखा, लायबिलिटीज शेयर होल्डर फंड्स उसमें क्या है? पहले लाइन शेयर कैपिटल, दूसरा लाइन यू वांट टू गो मैड. ओ माय गॉड, Zomato has fucking 18,677 crore rupees of reserves positive. 18,600 crore rupiah positive after making how much loss? Let us see loss. Loss kidhar likhega?
पी एंड एल. ओ ये स्टैंड अलोन था. कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे रिजर्व कितने देखते हैं? अरे कंसोलिडेटेड पे थोड़ा सा 17,330 करोड़ रुपए का क्या है? रिजर्व्स है ना? ये तो गेम खेल रहा है, तिजोरी देख रहा है, तिजोरी देख रहा है ना? ठीक है वो देख, लेक्चर कहते तुम तिजोरी स्क्रीनर या बिजनेस ओरिएंटेड चीज कुछ भी देखना चाहता बिंदास देखो, स्नैपचैट इंस्टाग्राम या ऐसा सेल्फी विल्फी वो तो वही तो बोलते हो ना यार. अब सोचो ना, तुम्हारा माँ बाप का तुम पैसा देके यहाँ पर आया है. कुछ लोगों के लिए ये फीस भी बहुत ज्यादा है, कुछ लोग एजुकेशन ले नहीं पा रहे. मैं आपको बोलता हूँ ऐसे ऐसे बच्चे यार जिनको फीस देने की मतलब बहुत मुश्किल है, तुम्हारे माँ बाप ने दे, यू शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड मेक समथिंग रियली बिग आउट ऑफ इट. एंड इट इज नॉट फॉर द सेक ऑफ इमोशंस यार. आजकल माँ बाप को भी इमोशन को भी कमर्शलाइज करते हैं. यू शुड यूज इट, ऑल द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल विद यू. हाँ अभी मैं यहाँ पे गया, किधर? तिजोरी में. अभी किधर जाएगा? पी एंड एल में जाएगा. पी एंड एल में गया, कंसोलिडेटेड पी एंड एल में गया. नेट प्रॉफिट देखो, मार्च 2015 147 करोड़ लॉस, 574 करोड़, 389 करोड़, 106 करोड़, 955 करोड़, 2367 करोड़, 812 करोड़, 1208 करोड़, 970 करोड़, 783 करोड़. एक साल भी प्रॉफिट नहीं किया पिछले 8 साल में, उसके पहले भी नहीं किया. एक रुपए का प्रॉफिट नहीं कमाया इसने. तभी भी बैलेंस शीट में रिजर्व्स पॉजिटिव कैसे? सच रिजर्व्स का मतलब आज तक तुमने क्या सीखा था? रिजर्व्स मींस प्रॉफिट्स प्लाउड बैक. तो अरे प्लाउड बैक करने के लिए प्रॉफिट ही नहीं होता, प्लाउड बैक कहां से करेगा मैं? मेरे पे लॉसेस है. तो बैलेंस शीट में लॉस दिखना चाहिए था, निगेटिव दिखना चाहिए था. दिखा क्यों नहीं निगेटिव? क्योंकि जोमैटो ने आईपीओ किया था लोग कोविड के अंदर, कोविड थोड़ा कोविड खत्म होने के बाद, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट, 2020 में कहीं तो आया था. जोमैटो ने इनिशियल पब्लिक ऑफर किया था. वी कैन व्यू मोर टाइम्स देन, ठीक है मेरे पास पेड अकाउंट है तो आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स यू कैन सी तिजोरी. जोमैटो ने लॉस कमाने के बाद भी रिजर्व्स पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि जोमैटो के पास क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम है. तो बच्चों किसी कंपनी के रिजर्व्स आपको पॉजिटिव दिखे तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया. वो रिजर्व्स का क्या करो? ब्रेकअप देखो. अभी तिजोरी ब्रेकअप नहीं देता, पैसा लेके भी नहीं देता. रिजर्व्स के ऊपर आप क्लिक करके नहीं देख सकते रिजर्व्स का ब्रेकअप. प्रॉब्लम कहां पे देखेंगे? एनुअल रिपोर्ट. आप वहां पर एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं. तिजोरी पे डाउनलोड करना भी बहुत मुश्किल है. व्यू डिटेल में देखते हैं, डिटेल में भी नहीं देता, कुछ भी नहीं देता, नहीं देता. तो फिर आप क्या करोगे? एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके आप देख सकते हो. ऑब्वियसली एनुअल रिपोर्ट में आपको मिलेगा. सो जोमैटो के एनुअल रिपोर्ट में आपको क्या मिलेगा? सिक्योरिटी प्रीमियम बहुत बड़ा मिलेगा और पी एंड एल अकाउंट दैट इज लॉसेस निगेटिव में मिलेंगे. बट नेट टोटल क्या है? पॉजिटिव है. इसलिए उसके बैलेंस शीट पे रिजर्व सरप्लस क्या है? पॉजिटिव है. आई होप यू अंडरस्टैंड. अरे समझ में आयो कहीं? समझा? ये इक्विटी था, डाउट पूछा नहीं मैंने, पूछने का थोड़ा रुक. सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, तीन बच्चे इक्विटी, दो बच्चे फंड्स रेज्ड, प्रॉफिट्स प्लाउड बैक, फंड्स रेज्ड, दो बच्चे शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम. प्रीमियम प्लस प्रॉफिट प्लाउड बैक एडेड इज रिजर्व्स. ओ प्रॉफिट प्लाउड बैक कैन बी निगेटिव, हाँ प्रीमियम कैन नॉट बी निगेटिव. Why? That is called a discount. In India, shares cannot be issued at. Shares have to be compulsorily issued at face value or premium. Are you clear with this? Very good. Share capital, can it be negative? No. Can security premium be negative? No. Funds raised cannot be negative.
दिस कैन बी निगेटिव, ये हमने रिजर्व सरप्लस में दिखाया. आर यू क्लियर विथ? अभी तक शेयर कैपिटल कंप्लीट नहीं हुआ और आने वाला है दूसरे सोर्स. यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो जल्दी. डाउट? अच्छा तुझे डाउट है, ओके बोल. हाँ भाई साहब बोल रहे हैं जोमैटो को नेट लॉस हो रहा है तो उसका रिजर्व सरप्लस क्यों बढ़ रहा है. वही तो बोला ना, उसने शेयर इश्यू किए हैं प्रीमियम पे, वो शेयर इश्यू करते जा रहा है. प्राइवेट प्लेसमेंट भी होता है. क्वेश्चन समझा क्या आपको उसका? वो बोल रहा है नेट लॉस हो रहा है तो रिजर्व क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए. लेकिन शेयर इश्यू करते जा रहे हैं ना, वो कंपनी एक्वायर किया ब्लिंकिट या बाकी धंधे एक्वायर कर रहे हो तुम छोटे मोटे, उनको जब धंधा एक्वायर करते हो तुम उसको शेयर इश्यू करते हो एट अ प्रीमियम. डाउट समझा तुमको उसका? बच्चा बोल रहा है सर बैलेंस शीट में जाके अगर लॉस कर रहा है तो उसका रिजर्व बढ़ना नहीं चाहिए. तुमने अगर रिसेंट ईयर्स देखोगे 7,400 करोड़, 14,000 करोड़, 18,000 करोड़ रे. कौन से ईयर में? मार्च 23 में. वो लॉस करने के बाद भी क्यों बढ़ रहा है? नंबर वन, तुम शेयर इश्यू करते जा रहे हो. नंबर टू, और दिस इज इंडेस, इंडेस के अंदर देर इज समथिंग कॉल्ड रिवैल्युएशन that you are allowed to do. So there are certain things that they are revaluing, or revaluation reserve bhi aayega uske andar. Wo revaluation reserve ki jagah pe hum usko fancy naam bolte hai, fair value through other comprehensive income. Ye Ind AS mein CA final mein gaya to samjhega. Bol beta. Profit plowback can be negative. Loss kiya to? Aiko. भाई साहब बोल रहे हैं सर प्रॉफिट प्लाउड बैक निगेटिव मतलब लॉस है. हाउ कैन वी प्लाउ बैक लॉस? प्लाउ बैक लॉस मतलब लॉस रिकवर करना होता है सब्सिक्वेंट प्रॉफिट से, दैट्स व्हाई निगेटिव. वो उसको पूछना सस्टेन कैसे कर पा रहे, मतलब कैपिटल अभी तक खत्म नहीं हुआ ना उसका. भाई साहब बोल रहे हैं सर जोमेटो सस्टेन कैसे कर पा रहा है, कैपिटल अभी तक खत्म नहीं हुआ ना. तेरे को बाप ने 5,00,000 रुपया दिया और बोला जा ये कोर्स सीख ले और उसके बाद तू तेरा कमाना सीख, मेरे पास वापस आने का नहीं. अब तू क्या करेगा? तेरे को जॉब नहीं लगा, तू पास नहीं हो रहा, तभी कुछ टाइम तक तू सस्टेन करेगा ना, जब तक वो 5,00,000 खत्म नहीं होता तब तक. सर ऐसे पढ़ने में मजा आ रहा है. थैंक यू भूषण जी. हाँ मतलब यूट्यूब पे भी बच्चों को मजा आ रहा है. थैंक यू. लाइक करना. सो एनीवन हैज अ डाउट सुन लेना. हाँ दूसरा आइटम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. प्रेफरेंस शेयर्स आर हाइब्रिड. आई टोल्ड यू देर इज अ लॉजिक बिहाइंड विच, मतलब ड्यू टू विच प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड. यू हैव टू अंडरस्टैंड स्टार्टअप फाइनेंसिंग, देन You will understand preferences. FM के अंदर आपको preferences क्यों issue किए जाते हैं वो बोलूंगा. किसी को अगर उसके पहले ही बहुत खुजली है पढ़ना है तो compulsorily convertible preference shares along with different different milestones while raising series A, series B, series C from venture capital funds पढ़ लेना. CCPS करके instrument रहता है. Logic बताऊंगा कभी, FM के अंदर बताऊंगा, अभी नहीं है तुमको, उतना नहीं समझेगा तुमको. तो प्रेफरेंस शेयर्स के पीछे भी लॉजिक होता है इन केस ऑफ नॉर्मली स्टार्टअप्स. बड़े कंपनीज में भी हो सकता है बट स्टार्टअप्स में तो बहुत ज्यादा लॉजिकल है ये, एक्सट्रीमली. तो प्रेफरेंस शेयर्स भी आप प्रीमियम पे इश्यू करते हो, उसका शेयर कैपिटल किधर जाएगा? शेयर कैपिटल के अंदर. और प्रीमियम किधर जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिजर्व्स एंड सरप्लस. सेम लाइक इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स होता है अंडर AS. जब आप सीए फाइनल में जाओगे, ये जो मैंने सिखाया ये आपको पहले भूलना पड़ेगा. क्यों? सीए फाइनल में प्रेफरेंस शेयर्स शेयर कैपिटल में नहीं जाते. सीए फाइनल में आपको प्रेफरेंस शेयर्स के बाइफरकेशन करना पड़ेगा. प्रेफरेंस शेयर्स ट्रीटेड एज अ डेट एंड ट्रीटेड एज एन इक्विटी. ये हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है. हाइब्रिड्स को आपको क्लासीफाई करना पड़ता है. सम कंपोनेंट गोज इन टू इक्विटी, समथिंग गोज इन टू डेट. ये मैं आपको अभी बोल रहा हूं क्योंकि फाइनल में जाके आपको लगेगा मैंने गलत सिखाया. अभी मैं AS के हिसाब से सीख रहा हूं. फाइनल में आप क्या सीखोगे? इंड AS. तो प्रेफरेंस शेयर्स का फेस वैल्यू किधर ऐड होगा?
शेयर कैपिटल प्रीमियम किधर जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। शेयर कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट में हम क्या करेंगे? शेयर कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट्स में हम क्या करेंगे? बोलो, बाइफरकेशन देंगे, कितना इक्विटी शेयर्स है, कितना प्रेफरेंस शेयर्स है। समझा गया? शेयर कैपिटल कौन से वैल्यू पे? फेस वैल्यू पे। ठीक है, तो रिजर्व सरप्लस में क्या क्या रहता है? जरा रिजर्व को जरा खोल और समझते, जरा खोल के ऑन योर स्क्रीन। रिजर्व एंड दो बच्चे, पहला बच्चा कैपिटल प्रॉफिट्स और कैपिटल रिजर्व्स, रेवेन्यू रिजर्व्स, डिविजिबल रिजर्व्स उसका दूसरा नाम है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग नाम है, वैसे इसके भी अलग अलग नाम है। रेवेन्यू रिजर्व्स, डिविजिबल रिजर्व्स और इधर कैपिटल रिजर्व्स। दिस कैपिटल रिजर्व्स आर एज गुड एज अ कैपिटल बट स्टिल शोन अंडर रिजर्व्स। कौन से है वो? चलो, सिक्योरिटी प्रीमियम था, रिजर्व सरप्लस के कितने बच्चे की हमने, पहले बच्चे का नाम क्या रखा? ये हम बैलेंस शीट पे नहीं दिखा दे, ये कहां पे दिखाना पड़ता तुमको? नोट्स टू कैपिटल रिजर्व्स। और दूसरा क्या है? रेवेन्यू रिजर्व्स। याद रखना, ये बायबैक ऑफ शेयर्स के चैप्टर में बहुत काम में आने वाला है, ये लॉ में भी बहुत काम में आएगा आपको। कैपिटल रिजर्व्स को, ये रेवेन्यू रिजर्व्स को हम दूसरा क्या नाम बोलते हैं? डिविजिबल रिजर्व्स। समझ में आया? नेक्स्ट, कैपिटल रिजर्व्स में क्या क्या आता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम, जब शेयर्स आप प्रीमियम पे इश्यू करते हो तब। डिबेंचर्स जब हम प्रीमियम पे इश्यू करते हैं तो सच में उसका जो प्रीमियम है वो प्रीमियम नहीं होता है, बट फाउंडेशन पे आपको गलत तरीके से सिखाया होगा। मैंने भी सिखाया था, लेकिन मैंने फॉर श्योर आपको डिस्क्लेमर दिया होगा कि मैं गलत सिखा रहा हूं। जब डिबेंचर सही भी सिखाया था तुमको उसका कॉस्ट कैसे ट्रीट करने का। सुन लो, 100 रुपए का डिबेंचर मैं अगर 110 पे इश्यू कर रहा हूं, 100 रुपया क्या है? 110 क्या है? दस रुपया क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। वो सच में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होता है इन केस ऑफ डिबेंचर्स। क्यों? समझाऊंगा किसी अलग दिन, आज मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूं। सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि जेन्युइनली वो 10 रुपया प्रीमियम नहीं होता है। मैं आपको इसका बेयर एक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी तो इंटर के सिलेबस में पूरा है, इंटर में तो सिखाऊंगा, फाउंडेशन में उतना डेप्थ में नहीं गया होगा मैं, बट सिलेबस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कहां कहां पे आएगा? शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स का भी प्रीमियम इधर ही आएगा, बट वो गलत है। क्यों? क्या? सब कुछ बताऊंगा। हैव रिवैल्यूएशन रिजर्व, तुमने तुम्हारे फिक्स असेट्स को अपवर्ड रिवैल्यू किया तो वो भी तुमको क्या करना पड़ेगा बच्चे? कैपिटल रिजर्व में दिखाना पड़ेगा, मतलब कैपिटल रिजर्व्स है। समझा तुमको कैपिटल रिजर्व्स? नेक्स्ट, सो सिक्योरिटीज प्रीमियम, देन व्हाट? रिवैल्यूएशन रिजर्व आता है। फिर आपने कोई, कभी कभी आपने बार्गेन पे असेट्स खरीदे, असेट खरीदा 100 रुपए का 80 रुपए में, हम बोलेंगे कैसे 100 का असेट 80 में कैसे खरीदेगा? जो बेचने वाला था वो स्ट्रेस में था। हाँ, स्ट्रेस में ऐसा बहुत सारा चीजें मिलता है। हर एक, तुम पागल है क्या? मेरे वैसे कोविड के अंदर ऐसे स्ट्रेस में फ्लैट लेके बेचे थे मैंने, 7-8 दिन में फ्लैट। हाँ, ये हमेशा नहीं होता है ऐसे, मतलब जनरलाइज मत करो इसको। बहुत बार क्या होते हैं, लोग फाइनेंशियल स्ट्रेस में होते हैं। स्ट्रेस मतलब मैं तुम्हारा लेवल का स्ट्रेस नहीं बोल रहा, तुमको अलग लेवल का स्ट्रेस है। प्रेस्टीज पॉइंट से स्ट्रेस हो सकता है तुमको, कोर से स्ट्रेस हो सकता है। थोड़े दिन रुको, आदत पड़ जाएगी, दोस्त बनाओ, नया एनवायरनमेंट है, थोड़े दिन एडजस्ट करो, ऑटोमेटिकली सेट इन हो जाओगे।
तो फाइनेंशियल स्ट्रेस में जब कोई सेलर होता है तो 100 रुपए का चीज आपको 70 में बेच सकता है, 60 में बेच सकता है। क्यों? उसको स्ट्रेस से निकलना है। बोलते 70 तो 70 यार, दे दे, मेरे को चाहिए, पैसे की बहुत जरूरत है। तो आपने जब 100 रुपए की चीज 80 में खरीदी तो आप जर्नल एंट्री क्या करेगा? असेट अकाउंट डेबिट 80 टू बैंक अकाउंट 80 नहीं करेगा। 100 रुपए की चीज जब 80 में खरीदते हो असेट अकाउंट डेबिट 100 टू बैंक अकाउंट 80 टू कैपिटल रिजर्व 20, क्योंकि असेट को अपने फेयर वैल्यू पे दिखाना चाहिए ना। अगर वो असेट का वैल्यू, ये नॉर्मली क्या होता है व्हेन यू बाय अ बिजनेस, इंडिविजुअल असेट पे नहीं आता ये, दिस इज नॉर्मली व्हेन यू बाय समबडीज बिजनेस दैट समबडी इज इन स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, हा ना। तो कैपिटल रिजर्व आता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व आया। फाउंडेशन में एक चिल्लर चीज सीखा था या 11वीं 12वीं में भी सीखा होगा, तुमने शेयर्स फॉरफिट किए तो उनका जो बैलेंस मतलब आता है फॉरफिटेड शेयर्स, बट अभी ये फॉरफिटेड शेयर्स का जो बैलेंस है ना ये नॉर्मली रिजर्व्स, कुछ लोग रिजर्व्स के अंदर दिखाता है, कुछ लोग शेयर कैपिटल के अंदर। अगर शेड्यूल 3 लिटरली पढ़ोगे तो वो रिजर्व्स के अंदर नहीं आता है। अगर आपको फाउंडेशन आता है फॉरफिटेड शेयर्स का बैलेंस आप कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर कर देते, फॉरफिटेड शेयर्स का जो बैलेंस है वो लिख के कैंसिल करो क्योंकि वो शेयर कैपिटल के हेडिंग के अंदर जाएगा। जब नोट्स हम करेंगे तो बताऊंगा आपको फॉरफिटेड शेयर्स का बैलेंस किधर जाएगा बच्चों, कैपिटल सॉरी शेयर कैपिटल के अंदर दिखता हो, कैपिटल रिजर्व आ गया। तो ऐसा ये तुम्हारे कैपिटल रिजर्व है। रेवेन्यू रिजर्व में क्या था तुम्हारा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस आफ्टर पेइंग टैक्सेस एंड आफ्टर पेइंग डिविडेंड। सो प्रॉफिट्स आफ्टर पेइंग डिविडेंड, क्यों? डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बोथ प्रेफरेंस डिविडेंड एज वेल एज इक्विटी डिविडेंड। व्हाट्स अ बोथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सॉरी बोथ प्रेफरेंस डिविडेंड एंड इक्विटी डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ पैट। पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर, प्रॉफिट्स आफ्टर पेइंग व्हाट? डिविडेंड। ऑब्वियसली टैक्स, टैक्स तो कवर्ड है, टैक्स एंड डिविडेंड। खुश हो? डिविडेंड देना मैंडेटरी क्या? नहीं। कौन सा केस में मैंडेटरी नहीं है? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के केस में देना पड़ता अगर प्रॉफिट हुआ तो। प्रेफरेंस शेयर्स के केस में अगर डिविडेंड प्रॉफिट हुआ यू हैव टू गिव व्हाट? डिविडेंड, बिकॉज इट इज फिक्स रेट, इट इज अ फिक्स रेट इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ तो ऑब्वियसली वो डिविडेंड अक्यूमुलेट हो जाता है। जनरली प्रेफरेंस शेयर्स आर क्यूमुलेटिव इन नेचर, सो यू कैरी फॉरवर्ड अ डिविडेंड ऑफ 1 ईयर टू नेक्स्ट ईयर। सो रेवेन्यू रिजर्व में क्या क्या आता है बच्चों? सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, फिर क्या आता है बच्चे? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व मतलब जो प्रॉफिट तुमने जनरल रिजर्व, कोई पर्पज नहीं है उसका, ऐसे ही। आप बोलेंगे सर प्रॉफिट किधर रखना चाहिए हमने, पीएनएल में रखना चाहिए या जनरल रिजर्व में लेके जाना चाहिए? तुम्हारा चॉइस। इट इज बेटर टू कीप द प्रॉफिट एज इट इज इन पीएनएल, क्यों? फिर आप फ्रीली उसमें से जब चाहे तब डिविडेंड दे सकते हो। कहीं पे भी ये लिखा नहीं है 2023-24 का जो प्रॉफिट है उसमें से आप 23-24 में ही डिविडेंड दे सकते हो। आउट ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट कैन आई गिव डिविडेंड आफ्टर 5 ईयर्स? यस। क्यों? डिविडेंड इज नॉट अ एक्सपेंडिचर जिसका मैचिंग करना होता है। डिविडेंड इज व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। कौन से साल में डिस्ट्रीब्यूट करने का? मेरा मर्जी। तो करंट ईयर में मैंने प्रॉफिट कमाया, लिसन टू दिस, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। इफ आई मेक अ प्रॉफिट इन करंट ईयर एंड आई विश टू पे डिविडेंड इन लैट, वाई नेक्स्ट से ना लैटर, लैटर में नेक्स्ट भी आ गया। आई वॉन्ट टू पे डिविडेंड इन लैटर ईयर्स, इट्स बेटर टू कीप प्रॉफिट एज इट इज इन पी एंड एल अकाउंट। क्यों? पी एंड एल में वैसा का वैसा ही रखा तो आप डिविडेंड जब चाहे तब डिक्लेयर कर सकते। लेकिन अगर आपने गलती से पी एंड एल से जनरल रिजर्व को एक बार प्रॉफिट आपने ट्रांसफर किया, ट्रांसफर आप बोले कैसे करते? जर्नल एंट्री पास करके। कौन सा एंट्री? प्रॉफिट कम करने है, प्रॉफिट को क्रेडिट बैलेंस रहता है, उतना तो अकल है तुमको। प्रॉफिट एंड लॉस, वी टीच फ्रॉम बेसिक्स,
profit has a credit balance. I want to reduce. How do I reduce? By giving debit to P&L account. What is the journal entry? P&L account debit to general reserve. P&L account debit to. अब आप बोलेंगे ये एंट्री पास करने से होता क्या है? जनरल रिजर्व बढ़ता है, लेकिन अगर आपको अगले साल में डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो आपके पास प्रॉफिट नहीं है, जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व से भी डिविडेंड दे सकते हो, लेकिन लेकिन उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, वो भी आपके सिलेबस में इसी चैप्टर में। तो लिखिए टू गुड पॉइंट टॉप ऑफ द पेज, अलग कलर। यू शुड हैव मल्टी कलर पेन्स, प्रेफरेबली ऑफ अ कंपनी कॉल्ड एज अ लिंक। लिंक के पेन शेयर होल्डर में, सो मल्टी कलर पेन हाईलाइटर रहना चाहिए। डिस्काउंट नहीं मिलेगा, चो बैठ लॉस में। लिखो हेडलाइन, लिखो क्या लिखा तुमने? टू गुड पॉइंट लिखिए। वंस वी ट्रांसफर बैलेंस ऑफ P&L टू जनरल रिजर्व, दैट इज प्रॉफिट। लॉस नहीं ट्रांसफर करते, लॉस उधर ही रहता है। लॉस इज नॉट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। वंस वी ट्रांसफर बैलेंस ऑफ P&L टू जनरल रिजर्व। कुछ समझा क्या? Once you transfer balance of P&L to general reserve, we can distribute dividend out of general reserve. We can distribute dividend out of general reserve, but only after complying with certain rules. Only after complying with certain rules. Rules है आपके syllabus में, law में भी है ये rules syllabus में, अभी भी है। Rules का नाम है Declaration of Dividend Rules 2014. आएगा आगे चैप्टर, इसी चैप्टर में आगे आएगा। तो अभी मतलब क्या है, तुमको अगर लगता है कि मुझे फ्यूचर में जाकर डिविडेंड देने का है तो क्या नहीं करना चाहिए तुमने? P&L का जो बैलेंस है वो फालतू का ट्रांसफर करके कोई जरूरत नहीं है। वो किधर रखने का? उधर ही रखने का। उधर ही मतलब P&L में रखने का, ताकि आप क्या कर सकते हो, जब चाहे तब आप डिविडेंड दे सकते हो। अगर आप चाहते हो तो, अगर आपको लगता है नहीं 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 मैंने क्या करना चाहिए, मैंने क्या करना चाहिए, डिविडेंड नहीं देना चाहिए, तो जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करो। क्या P&L में से आप कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर कर सकते हो? हाँ, तुमको जिधर ट्रांसफर करना है उधर ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन कंपनी लोग क्या करता है, P&L का बैलेंस P&L या जनरल रिजर्व में ही रखता है। क्यों? ताकि आगे जाके कभी आपको अगर डिविडेंड देने की नौबत आई तो देते आएगा। अब एक चीज सुन लो, एक बेसिक क्वेश्चन है, आप जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कभी मिले ही नहीं मुझे। इतने टैलेंटेड हो आप, लेक्चर में सेल्फी जो खींचते हो आप। मेरा प्रॉफिट है करंट ईयर का 400 करोड़ रुपया। कितना? 400 करोड़। मेरे को डिविडेंड देने का है 530 करोड़ का। क्या मैं ये 530 करोड़ का डिविडेंड दे सकता हूं? प्रॉफिट कितना है? डिविडेंड देने का कितना है? हम बोले कैसे सर, जेब में 400 रुपए तो 530 कैसे खर्च कर सकते हैं? हाँ, आई कैन पे दिस डिविडेंड प्रोवाइडेड आई हैव 130 crores ब्रॉट फॉरवर्ड बैलेंस इन P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में अगर ब्रॉट फॉरवर्ड बैलेंस है तो मैं क्या कर सकता हूं, दे सकता हूं। अगर जनरल रिजर्व में है तो भी दे सकता हूं, लेकिन जनरल रिजर्व के ऊपर क्या है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है। वी आर नॉट लर्नड ऑल दोज रिस्ट्रिक्शंस एज ऑफ नाउ, बट देर आर रिस्ट्रिक्शंस, यू विल लर्न। किसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस है?
जनरल रिजर्व के ऊपर बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस है डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए, समझा तुमको? थैंक यू। इसको हम क्या बोलेगा, बोलू बोलू? डीपी, डिविडेंड पे आउट रेशियो। इनको लगा हमारा सोशल मीडिया डिस्कस करने लग गए। कौन ये आइटम? वही बोला, ये तू भी है सोशल मीडिया पे? नहीं ना, वेरी गुड, गुड बॉय। क्या बोला मैंने? डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे निकालते हैं? डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स ऑफ दैट ईयर। तो आपने कितना डिविडेंड दिया? 530 करोड़ का। किसमें से? 400 करोड़ में से। मतलब आपका पे आउट रेशियो 100 से ज्यादा है परसेंटेज में। तुम तुम्हारे नोटबुक में लिख रहा होगा, बोला आंसर। अरे बोलना, 130। इसका मतलब क्या है? यू हैव पेड 132% डिविडेंड। क्या पूछ रहे सर, ये बीच में ये लव कहां से आता रही? ये वो क्या रिएक्शन है? क्या? अच्छा ये मैं डालूंगा? नहीं रे बाबा, लव व्यू नहीं देने का अपने को। अप्रोप्रिएशन से दे सकते हैं। वेरी गुड सर, व्हाट आर फ्री रिजर्व्स? अबे यार, आयुष पारिक तू है? अरे तू अक्षय है क्या? ओके, बच गया। रेवेन्यू रिजर्व्स, अक्षय पर आयुष पारेख, इसी को ही फ्री रिजर्व्स बोलते हैं। थैंक यू, मैं भूल गया था। फ्री रिजर्व्स, रेवेन्यू रिजर्व्स, डिविजिबल रिजर्व्स, भगवान श्री कृष्ण के जैसे अलग अलग नाम है वैसे ही ये अलग अलग नाम है। कुछ समझा? सो रिजर्व से पैसा कंपनी क्यों यूज नहीं कर सकती है? क्योंकि लॉ ने रिस्ट्रिक्शंस लगाया है। एक बार रिजर्व को पैसा गया ना, आप यूज कर सकते हो। ओ ये यहां से तो डिविडेंड देने का नाम ही नहीं है। कैपिटल रिजर्व इज कैपिटल, यू कैन नॉट पे कैपिटल बाय वे ऑफ डिविडेंड। क्यों? लोगों को मामू बनाऊंगा मैं? कैसे? शेयर इश्यू करके कैपिटल लेता हूं, उसमें से ही डिविडेंड देता हूं। इसको बोलते हैं पॉन्जी स्कीम। क्या वर्ड यूज किया मैंने? राठौड़, कोई तो लिंक ढूंढ के बोले, पुणे का एक राठौड़ करके बंदा था, 700 करोड़ लेके भागा ऐसे। आज ही एक आदमी मिला है चाइना का, हमारे गुजरात से 1400 करोड़ लेके भागा है। तुम हमारे कंट्री में कितने सारे फाइनेंशियल इलिटरेट से लेक्चर सुनो हमारे बेसिक्स ऑफ सेंस। क्या पॉन्जी स्कीम मतलब क्या है? जो पैसा कलेक्ट किया ना उसमें से ही पैसा देने का, और लोगों को दिखाने का मैं तुमको पैसा दे रहा हूं इसलिए और लोगों से पैसा लेने का और कुछ लोगों को देने का। अब जिनको मिलता वो बहुत खुश होता, वो क्या करता है? और लोगों को लेके आता है रिलेटिव्स को। अपना इंडियन व्हाट्सएप ग्रुप तो है। मतलब मैं तुमको बोलता हूं, ये राठौड़ जी जो भी है उनका पहला नाम मैं भूल गया, क्या नाम है? पक्का है क्या? देखा नहीं तो कोई तो दूसरा राठौड़ रहेगा। इट इज नॉट अ कमेंट ऑन राठौड़ कम्युनिटी, दिस इज ओनली ऑन दैट मिस्टर राठौड़ हु इज फाउंड गिल्टी और हु इज बींग अंडर प्रोसिक्यूशन। सो who said that person is? I am not interested in any individual. We should not spread hatred. Objective is learning out of it. So ye bhai sahab ne promise kiya return. Kitna? 50% per annum. Hamare char dost thar ki jo nikle 50% deke gaye bhag ke, mummy 50% paisa de diya usko. Shuruaat mein usne return bhi de diya. Ab bolenge kaise? वो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉमिसेस दे रहा था, बहुत सारे लोगों ने पैसा दिया, उसमें से कुछ लोगों को पैसा वापस दे दिया, कुछ से 2 महीने के लिए लिया, कुछ से 3 महीने के लिए लिया, कुछ से 1 साल के लिए लिया। अब जिससे 1 साल, मैंने इस बंदे से 1 साल के लिए पैसा लिया, उसमें से जिस
से 2 महीने के लिए लिया, उसको रिटर्न दे दिया, इसको तो 1 साल बाद देना है ना, अभी तो इसको देता हूं मैं। इससे मैंने कितने महीने के लिए लिया था? 2 महीने के लिए। इससे कितने के लिए लिया था? 1 साल के लिए। दे पैसा, पैसा दे, 2 महीने बाद मैं इससे जो पैसा लिया था उसमें से इसको वापस देता हूं। ये इतना खुश होता अपने फैमिली ग्रुप में जाके बोलता, मम्मी आई डन ग्रेट थिंग, 50% रिटर्न। मम्मी बोलती, लेट मी ऑल्सो पुट मनी, लेट मी ऑल्सो टेल यूर मौसी, चाचा चाची, दादा दादी, ताऊजी माऊजी, जो भी है सारे आएंगे, और लोग आएंगे। क्यों? इंडियन कंसेप्ट। मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ तो मैं सबको बोलूंगा, बुरा हुआ तो बोलने का नहीं, मैंने गलत क्लास लगाया, कुछ गलत हो गया, कभी नहीं बोलूंगा। इसने 10 लोगों को बोला, वो 10 लोगों में से 4 लोगों ने मेरे को वापस पैसा दिया, उसमें से थोड़ा बहुत इसको दिया, इसने वापस जाके उसके फैमिली ग्रुप को बोला, ऐसा वायरल स्प्रेड हुआ, 700 करोड़ मात्र। क्या नाम है? अविनाश राठौड़, एपीएस करके कुछ तो फर्म का नाम है ना, हाँ वही वाला भाई साहब ने ऐसे 700 करोड़ रेज किए थे, और उसमें इतने पढ़े लिखे लोग हैं। आप अगर लोगों के कंप्लेन, जिन जिन लोगों ने कंप्लेन किया, ऐसे पुणे में एक बार नहीं हुआ, बहुत बार पुणे में नहीं, पूरे इंडिया में होते रहते हैं रेगुलर बेसिस में, और जिन लोगों ने पैसा डाला है ना उसमें कोई भी ऐसा कम पढ़ा लिखा वगैरह नहीं, हवस के, थोड़ा बहुत बेसिक सेंस लगाना यार, 50% पर एनम कैसे दे सकता है यार, मतलब अगर मुझे कुछ किए बगैर 50% मिल रहा है, धंधा क्यों कर रहा हूं मैं? कुछ किए बगैर अगर घर बैठे 50% कोई दे रहा है तुमको, वो भी ऐसे करोड़ों रुपए पे, सेंस ही नहीं लगा लोगों ने। तो बेटा इसलिए कैपिटल प्रॉफिट में से हम डिविडेंड नहीं दे सकते। उनके वाइफ ने भी टेक ओवर किया कंपनी, देन दोनों भाग गए। अच्छा अभी वो 7 फेरे में राउंड तो राउंड राउंड तो उन्होंने पारे देना कंप्लीट तो किया था ना, कि 7 जन्म तक हम साथ रहेंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, इन ए सिंपलेस्ट फॉर्मेट, कैपिटल प्रॉफिट में से अगर आपने डिविडेंड देना चालू किया तो क्या हो जाएगा? पॉन्जी स्कीम। दैट इज व्हाई कंपनी कैन पे डिविडेंड ओनली आउट ऑफ revenue reserves. So on your screen, reserves, do bachche, capital reserves, revenue reserves, capital reserves, no dividend, revenue reserves, do bachche, P&L, general reserve, P&L, freely available for dividend, no restriction, general reserve, restrictions are there. Problem, why restriction? Ask government. Restriction लगा है, government ने ये तुमको नहीं बोला कि इधर से बैलेंस उधर ट्रांसफर करो, फिर आप बोले लेकिन कंपनी लोग करते क्यों है? लॉजिक बोलू, सुनने को तैयार है? कुछ कुछ कंपनीज में जो शेयर होल्डर होता है वो बहुत डिमांडिंग नेचर का होता है, डिविडेंडो डिविडेंडो हमारी मांगे पूरी करो, ऐसे टाइप का शेयर होल्डर तुम्हारे पास बहुत सारा है और उसकी आवाज तुमको बंद करने की है, तो तुम क्या करता है? P&L का बैलेंस है ना, थोड़ा रिजर्व में ट्रांसफर करके रखो। क्यों? फिर डिविडेंड मांगने पे कंट्रोल आता है, उधर से भी मांग सकता है, उसके बाद ही बात बंद नहीं किया, उधर से उठाओ कैपिटल रिजर्व में डालो, आवाज बंद। अब बोले ऐसा उठा के कैसे कैपिटल रिजर्व में डालेंगे? उसको बोलते हैं बोनस शेयर्स। व्हेन यू कन्वर्ट रेवेन्यू रिजर्व्स इनटू कैपिटल, इट इज नथिंग बट बोनस शेयर्स। अब तक तुमको कैसे मामू बनाया था पब्लिक ने? फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स दिए। बोनस शेयर्स इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, बोनस शेयर्स इज नथिंग बट कन्वर्टिंग रेवेन्यू रिजर्व्स और कैपिटल रिजर्व्स इनटू कैपिटल। लिखो हेडलाइन, बोनस शेयर्स इज नथिंग बट, अलग अलग कलर है ना तुम्हारे पास, मास पाई ऐसा बुक बना के रखने का, डर्टी पिक्चर नहीं चाहिए अपने को। क्या लिखा तुमने? बोनस शेयर्स इज नथिंग बट, मल्टीपल कलर लेके आना है, बोनस शेयर्स इज नथिंग बट कन्वर्टिंग
converting reserves into share capital. Converting reserves into share capital. It can be revenue reserves, it can be capital reserve, any reserve. तो बोलो कब convert करेंगे हम, जब shareholder क्या बोल रहा है बोलो. तो मांग हम भरेंगे नहीं, मांग भी पूरी नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे, रिजर्व को उठाएंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे. जर्नल एंट्री बोलो, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. क्यों, रिजर्व कम करना है, समझ में आयो. तो पे आउट रेशियो 100 से ऊपर हो सकता है क्या? हाँ. सो क्या बोल रहा है नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर अभिषेक जावरे. बेटा यूट्यूब पे होता है ऐसी चीजें, बट हमेशा आदमी ने अपनी इज्जत में रहना चाहिए. हम यहां पर ही है, यहां पर ही ठीक है. सो पे आउट रेशो, पे आउट रेशो इज व्हाट, डिविडेंड कितना पे किया. कैन बी मोर देन 100, कैन बी लेस देन 100. अब तक मैंने आपको सिर्फ दो हेडिंग समझाए. अभी तक हम इक्विटी का बात कर रहे थे और थोड़ा थोड़ा प्रेफरेंसेस, डेट पे गए नहीं अभी तक हम. तो देखिए बच्चों हेडिंग, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. इक्विटी इज ओनर्स मनी. इक्विटी इज व्हाट, इनसाइड दैट वी शो शेयर होल्डर्स फंड. आई डिड नॉट से इक्विटी शेयर होल्डर्स, आई यूज व्हाट वर्ड. उसमें क्या आया और क्या आया, डिटेल किधर रहेगा, नोट्स टू अकाउंट्स. इसके लिए हमें करंट ईयर का भी फिगर देना है, करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर, उसको बोलते कंपैरेटिव, ताकि लोगों को ग्रोथ रेट या चेंजेस जो भी है वो समझ में आए. अगला आइटम जन्नत है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट. वो हम कल करेंगे, उसके लिए मैं अभी तुमको अरेस्ट वारंट इश्यू करता हूं. कल आ जाओ वापस. बाय बाय.